तो आज का अपना जो वीडियो है, मतलब आज के अपने लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, मतलब स्टार्टिंग में कुछ चीजें पढ़ेंगे। देखिए स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी, मतलब रोटेशन का ही चैप्टर है, रोटेशन मोशन में ही जो एनर्जी का कंसेप्ट होता है वो, और एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसके कैलकुलेशन सिर्फ नीट में आते हैं। ठीक है, इसका कोई भी मतलब एकदम इन डेप्थ वाला क्वेश्चन नीट में नहीं आता। ठीक है, तो नीट में सिर्फ कैलकुलेशन बेस, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इन शॉर्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं उस दिन एक लेक्चर के एकदम एंड में मैंने काइनेटिक एनर्जी का वाला बता दिया था, तो मैं एक बार वापस बता दूं। ठीक है, क्योंकि तब बहुत सारे लोग कम हो गए थे, और एंगुलर इंपल्स वगैरह कुछ नहीं आता है, एंगुलर इंपल्स वगैरह नीट में नहीं आता, एंगुलर इंपल्स यही एडवांस में आता है, तो एंगुलर इंपल्स वगैरह आज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो मैं बता दूंगा कि कहाँ तक नीट वालों के लिए बैठना है, मतलब उसके बाद भी आप बैठ सकते हो। ठीक है, मतलब ऐसे ही, क्योंकि अभी 2 घंटा आपके पास टाइम रहेगा तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा एडवांस वाला सेशन चालू हो जाएगा। तो आज मेजरली हम लोग एडवांस सेशन में एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर इंपल्स, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, प्लीज उनके उसके ऊपर के क्वेश्चन सब, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, मेरे पास वो बुक भी है, मैं तुमको एक दो क्वेश्चन अलग से दूंगा आपको, जो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन होगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला वाला मेरा कंसेप्ट है, मतलब आज का है एंगुल, मतलब पहले मैं यहाँ पे बोलूंगा एनर्जी कंजर्वेशन, मतलब एनर्जी मतलब वर्क एनर्जी थियरम। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थियरम अपने सब लोग ने पढ़ाई होगा। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थियरम में के पहले एनर्जी कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो एनर्जी कैलकुलेशन क्या होता है? ठीक है, अब सपोज जैसे मैंने बोला यहाँ पे आपको एनर्जी कैलकुलेट करना, तो हम लोग को पता ही है तीन मोशन होते हैं, प्योर ट्रांसलेशन, प्योर रोटेशन, और एक होता है नॉर्मल रोटेशन। रोटेशन में क्या आता है? रोटेशन में सब कुछ आता है, प्योर ट्रांसलेशन भी आता है, प्योर रोटेशन। तो रोटेशन में प्योर ट्रांसलेशन भी होता है, मतलब डिस्क जो होती है वो आगे भी जाती है और रोटेट भी करती है, मतलब उसका रोटेशन भी होता है। ठीक है, तो प्योर ट्रांसलेशन प्लस प्योर रोटेशन, मतलब दोनों चीजें कॉम्बिनेशन होता है रोटेशन में। ठीक है, फिर रोटेशन में अपन ने अलग अलग केसेस देखे थे, रोलिंग देखा था, फिर उसके बाद रोलिंग के बाद क्या देखा था, रोटेशन विद स्लाइडिंग, रोटेशन विद विदाउट स्लाइडिंग, और फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रेजेंट, मतलब रोटेट कर रहे ऐसे बॉडी जहां पे एक्सिस ऑफ रोटेशन इज प्रेजेंट। ठीक है, तो ये तीन केसेस अपन ने रोटेशन में भी देखे थे जो भी है। अब यहाँ पे देखो व्हाट इज एनर्जी, मतलब एनर्जी मतलब सपोज एक कोई भी, लेट्स से मैं डिस्क ही लेता हूं, मतलब ये डिस्क रिंग कुछ भी हो सकती है, जिसका मास एम है, इसकी वेलोसिटी वी नॉट है। अब प्योर ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, बॉडी रोटेट नहीं करती, रोटेट नहीं करती तो उसका हर एक पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा, वी नॉट। इधर भी कितना होगा, वी नॉट, ये सेंटर ऑफ मास का खुद वी नॉट है, सब पॉइंट सबका वेलोसिटी क्या होगा, वी नॉट। अब इसमें एंगुलर वेलोसिटी बिल्कुल है नहीं, तो इसमें जो मेरी काइनेटिक एनर्जी होगी, देखो इसमें जो मेरी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, तो यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन की होती है, और जिसकी वैल्यू आपको सबको पता है, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं, राइट right? अब ये था प्योर ट्रांसलेशन का। अब नाउ अब देखते हैं हम लोग प्योर रोटेशन का। अब प्योर रोटेशन में क्या होता है बताओ, प्योर रोटेशन में क्या होता है, प्योर रोटेशन में बेसिकली कोई भी एक डिस्क या कुछ भी दिया रहेगा, ये डिस्क होगा या रिंग होगा, ये स्फीयर होगा या कुछ भी हो सकता है, ठीक है, सिलेंडर होगा। अब ये घूम रहा है एंगुलर वेलोसिटी कितने से, लेट्स से ओमेगा से, लेकिन यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है फिक्स्ड, ये सेंटर ऑफ मास जो है वो फिक्स्ड है, तो इसका कोई भी वेलोसिटी नहीं है, मतलब सेंटर ऑफ मास का कोई भी वेलोसिटी नहीं है। तो इस केस में इसकी जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो हाफ आई सेंटर ऑफ मास इनटू क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, मतलब मास के जगह ये मास था तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, तो ये इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, और यहाँ पे वी की जगह क्या हो गया, ओमेगा हो गया, सिंपल सी बात है। तो ये वाला जो चीज है, ये वाला फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, दिस इज फॉर प्योर रोटेशन, जब बॉडी प्योर रोटेट करती है। ठीक है, अब क्या है यार, मतलब इसके पास यहाँ पे आपने देखा होगा, इसके पास वेलोसिटी वी नॉट है, इसके पास एंगुलर वेलोसिटी है। अब ऐसा भी हो सकता है कि यार बॉडी रोटेट भी कर रही है और आगे भी जा रही है, तो कौन सा केस हो गया, रोटेशन का केस हो गया। मतलब इस केस में जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने, एक मिनट गाइस, हाँ, तो मैंने जैसे यहाँ पे एक एक डिस्क रखा, देखो यहाँ पे ऐसे, और इस ये डिस्क जो है या ये जो रिंग है या जो स्फीयर है, ठीक है, ये स्फीयर जो है ये आगे भी जा रहा है वेलोसिटी वी नॉट से, और घूम भी रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, जैसे ओमेगा, राइट। तो इस केस में क्या हुआ, चलो मैं वी और ओमेगा ले लेता हूं,
ठीक है, ये वी से घुमा, ये ओमेगा से घुमा, अब ये आगे भी जा रहा है, मतलब आगे भी जा रहा है और घूम भी रहा है, तो इस केस में जो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, अब काइनेटिक एनर्जी के दोनों कंपोनेंट आएंगे, मतलब क्या, ये जो इसका सेंटर ऑफ मास, देखो ये सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी यहाँ पे वी है, मतलब ऐसी पूरी की पूरी बॉडी आगे जा रही है और सेंटर ऑफ मास के अबाउट ओमेगा से घूम भी रही है, तो यहाँ पे इसका जो काइनेटिक एनर्जी आएगा वो हाफ एम वी स्क्वायर आएगा, प्लस क्या आएगा, हाफ आई सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो मैंने बोला ना, प्योर ट्रांसलेशन को अलग से देखना है, प्योर रोटेशन को अलग से देखना है, दोनों को ऐड करना है, खत्म बात, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी व्हेन द बॉडी रोटेट्स, अब इसका एक डायरेक्ट फॉर्म है, मैंने आपको बोला था डायरेक्ट फॉर्म दिमाग में रखना है, काइनेटिक एनर्जी को हम लोग डायरेक्टली, कभी कभी क्या होता है, सपोज रोलिंग होती होगी तो आपको पता है रोलिंग का केस मतलब क्या होता है, नहीं, या ऐसा पकड़ लेते, कभी भी बॉडी, जैसे कि यहां पे मैंने लिखा, यहां पे देखो ये बॉडी है, यहां पे ये जो एक रॉड है वो मास एम का है, लेंथ एल का है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो अब मुझे बताओ ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, लेकिन यहां पे क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रेजेंट है, सो एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, ठीक है। तो इस केस में आप इससे भी कर सकते हो, देखो इससे भी इसका असर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके लिए क्या ढूंढना पड़ेगा, कोई ऐसा रोटेट करना है तो अपने को क्या ढूंढना पड़ेगा, फिर अपने को वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, जो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये रोटेट कर रहा है तो कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू क्या हो जाएगा, एल बाई टू, बराबर ना, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस एल बाई टू है, तो ओमेगा इंटू एल बाई टू वगैरह से अपने को ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मिलेगी, फिर अपन मतलब ये इसमें डाल देंगे, फिर उसको ऐड, मतलब क्यों करना है सब कुछ, क्यों करना है भाई, क्यों करना है सब कुछ, ये करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। एक मिनट में पहले यहाँ पे सेंटर ऑफ मास भी लिख देता हूँ, हाफ एम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस हाफ आई सेंटर ऑफ मास ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये थी मेरी काइनेटिक एनर्जी, कभी कभी जब ऐसा केस आएगा तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ, डायरेक्टली यहाँ पे एक फॉर्मूला काम में आएगा, हाफ आई एक्सिस ऑफ रोटेशन इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा दो, खत्म बात, मतलब दोनों का अलग अलग करके ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं उसका एग्जांपल बताऊंगा, मैं इसके दो तीन एग्जांपल बताऊंगा नीट वालों के लिए, ठीक है, नीट वालों के लिए मैं दो तीन एग्जांपल बता दूंगा। अब इसके बाद काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एक और चीज होती है, कभी भी बॉडी में रोल करती है, मैंने जैसे बोला एक डिस्क है, मैंने सपोज एक डिस्क बोला, अब ये जो डिस्क है मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ये चीज इसके लिए है, ठीक है, ये चीज इसके लिए, अब एक डिस्क है जो वेलोसिटी वी से जा रही है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही है और बोला है रोलिंग है, ठीक है, ये रोल कर रही है, तो मुझे तो रोलिंग का कंडीशन क्या था, रोलिंग का कंडीशन क्या था, रोलिंग का कंडीशन था कि वी इज इक्वल टू, मतलब ये वेलोसिटी होगी ओमेगा पीछे होगा, एक मिनट, ओमेगा पीछे होगा, तो तुम लोगों को पता रोलिंग का कंडीशन क्या होता है, इसमें एक मिनट रुका, मैं पहले तुमको फटाफट कॉल को मैं अटेंड करता हूं, उसके पहले v इज इक्वल टू ओमेगा होगा रोलिंग का कंडीशन, तो इस कंडीशन में कभी कभी क्या होता है, पता है ये चीज हो जाती है एक्सिस ऑफ रोटेशन, मैंने आपको बोला था ये चीज होती है एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो कभी कभी डायरेक्टली ये यूज करने का, हाफ आई इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इंटू ओमेगा स्क्वायर, ऐसा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा इसके लिए, तो ये सब नीट में आता है गाइस, ये नीट में आता है, ठीक है, मतलब ध्यान में रखना जो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेशन है वो चीजें नीट में आती है, आपको पहले पता होना चाहिए कि रोलिंग क्या है, रोलिंग मैंने आपको बता दी है कि रोलिंग क्या होती है, ये पॉइंट नीचे वाला सबसे जो पॉइंट होता है वो रुका रहता है विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, राइट, तो एक चीज ये ध्यान में रखना, नहीं वो स्क्रीन लैग कर रहा था क्योंकि कॉल आ रहा था, अभी प्रॉपर आ रहा है या अभी भी थोड़ा सा लैग है, ठीक है। अब यहां पे देख लो, एक तो पहले काम करो ये चीज को, ये जो चीज मैंने जो यहां पे लिखी है, ठीक है, मैं उसका एक छोटा सा एक पहले एग्जांपल देता हूं, दो एग्जांपल देता हूं इसी के ऊपर, ठीक है, और मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या क्या होगा, एग्जांपल वन, ठीक है, ये फटाफट आप लोग को निकालना है, एक डिस्क है यहां पे देखो, सब लोग को निकालना है, ये डिस्क है जिसका मास m है, रेडियस r है, इसका रेडियस r है, मास m है, रोटेट कर रही है लेट्स से एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से, रोटेट कर रही है इसे, तो यहां पे ये जो है फिक्स्ड है, मतलब सेंटर ऑफ मास फिक्स्ड है यहां पे, तो इसके बोला है कि यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। अब एग्जांपल टू, एक डिस्क है
नहीं, ऐसा पकड़ लेते, एक रॉड है जो जिसका ये वाला पॉइंट पे वो घूम रहा है, तो ये वाले पॉइंट पे घूम रहा है, और ये वाला पॉइंट देखो यहाँ पे, सपोज मैंने इसका सेंटर ऑफ मास पकड़ा, तो सेंटर ऑफ मास से ये वाला पॉइंट है एल बाई फोर डिस्टेंस पे, तो इस पॉइंट पे वो घूम रहा है कुछ ऐसे, ठीक है, ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो गई यहाँ पे। तो बोला है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। अब काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या, इसको हम लोग बोलते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी, मतलब इस काइनेटिक एनर्जी में क्या आ रहा है। देखो ये जो ये केस कौन सा है, और मैं एग्जांपल थ्री दे रहा हूं, ठीक है, जिसमें ऐसा पकड़ लो कि यहाँ पे ये एक सरफेस है, सरफेस के ऊपर एक मैंने ऐसे मास रखा हुआ है, और ये मास एम है जो वेलोसिटी वी से जा रहा है ऐसे, ठीक है, ये है अपना होलोस्फियर, ठीक है, ये क्या है, होलो स्फियर, तो होलोस्फीयर जा रहा है वेलोसिटी वी से, ये अभी ना रोल कर रहा है, क्या कर रहा है, रोल, रोलिंग। तो बोला है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। देखो सबको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, एग्जांपल वन एग्जांपल टू, फाइंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। हाँ सेकंड, सेकंड में क्या है, ये रॉड है, रॉड, ठीक है, ये रॉड है जिसका मास एम है, लेकिन कहां पे हिंज है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, सो दिस इज माई एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये है सेंटर ऑफ मास, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट वो घूम रहा है, देखो ऐसे, अबाउट, नॉट अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो ये तीनों तीन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। मैं आपको इस, और मैं यहां पे चाहिए तो मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, ये अभी दिख रहा है कि आपको, दिख रहा है अभी, ठीक है, हाँ तो दिख रहा होगा, तो एक काम करो, ये तीनों तीन चीजें लिख दो, ठीक है, फटाफट इसको लिख दो, क्योंकि एनर्जी कैलकुलेशन एंड मोमेंटम कैलकुलेशन ये आपको लिखना जरूरी है। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, नीट में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं गाइस, ठीक है, मैं जेई मेन एंड जेई एडवांस वाले क्वेश्चंस बताऊंगा इसके बाद में, लेकिन पहले इसके फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर लो। मैं आपको 3 मिनट देता हूं, ठीक है, तब तक मैं उससे बात करता हूं, चलो करो फटाफट। ठीक है, जिन लोगों का भी आंसर आ रहा है, खास करके नीट वाले लोग भाई, इनका आंसर दे दो, नीट वाले लोग को जो है इसका आंसर आपको आना चाहिए, समझ रहे हो, क्योंकि ये क्वेश्चन जनरली एक क्वेश्चन तो इसी के ऊपर, आइदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं तो इसके ऊपर पूछा जाता है, ये भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की क्वेश्चन है, कैलकुलेशन ही बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो एनर्जी कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ज्यादा एकदम डेप्थ में घुसते नहीं है लोग, ठीक है, मतलब नीट नीट में एकदम ज्यादा डेप्थ में नहीं है, जो मैं बता रहा हूं सिर्फ इतना ही है, ठीक है। नहीं, मेंस में कभी कभी अच्छा पूछा जा सकता है, मतलब मेंस के डिफिकल्टी लेवल में कभी कभी एडवांस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, हाँ, लेकिन ज्यादा वो एंगुलर इंपल्स वाला वगैरह नहीं आता। अब मैं जो बता रहा हूं उतना सिर्फ उसको फॉलो करो, ठीक है।
मोस्ट प्रॉब्ली आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, स्क्रीनशॉट लेके रखो, मैं उसको वापस जूम आउट कर रहा हूं, मतलब जूम इन कर रहा हूं, सॉरी। अब यहां पे सब लोग देख लो, अब यहां पे देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। पहले सब लोग पहले ध्यान से सुनो। अब यहां पे क्या है, यहां पे देखो सेंटर ऑफ मास फिक्स्ड है, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास फिक्स्ड होता है, नाउ द सेंटर ऑफ मास इज फिक्स्ड, देखो यहां पे ये COM फिक्स है, तो ये कौन सा चीज है, ये प्योर क्या है, ये क्या है, प्योर रोटेशन है। अब ये प्योर रोटेशन जब होता है, ठीक है, तो प्योर रोटेशन में जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो काइनेटिक एनर्जी प्योर रोटेशन में होती है, वो होती है हाफ आई सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा नॉट स्क्वायर, खत्म बात। अब आई सेंटर ऑफ मास तो आपको पता है, डिस्क जब घूमता है और डिस्क ऐसे घूम रहा है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हाफ आई सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, डिस्क है तो क्या होगा, एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर, काम खत्म। मतलब अपने को सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास पता होना चाहिए, विच इज एम आर स्क्वायर बाई फोर इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर। और गाइस एक चीज ध्यान में रखना, अपना अभी लास्ट का एक लेक्चर बचा है, मतलब SHM का, उसके बाद अपना मैकेनिक्स खत्म हो रहा है, उसके बाद हम लोग हीट एंड थर्मोडायनामिक्स पे जाएंगे, वेव्स पे जाएंगे, तो मैकेनिक्स एकदम एंड में, तो अभी होप मत छोड़ो, पूरा मैकेनिक्स हो चुका है ना, तो लास्ट के दो टॉपिक्स बचे हुए, बस खत्म बात, ठीक है। अब यहां पे ये हो गया मेरा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मेरी हो गई, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं सेकंड एग्जांपल पे। अब सेकंड एग्जांपल में आप देखो, देखा तो सेकंड एग्जांपल किसका एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल किसका एग्जांपल है, यहां पे सेकंड एग्जांपल जो है वो कौन सा एग्जांपल है, रोटेशन का एग्जांपल है। लेकिन रोटेशन में आप यहां पे देखोगे, यहां पे एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रेजेंट है, देखो यहां पे एक्सिस ऑफ रोटेशन इज ऑलरेडी प्रेजेंट, ठीक है, यस। तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ, देखो ये फॉर्मूला यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब दो बार क्यों कैलकुलेट करना है आपको, हाफ एम वी सी ओ एम स्क्वायर प्लस हाफ आई सेंटर ऑफ मास ओमेगा स्क्वायर, ये डबल डबल एड करके डायरेक्टली हम लोग का ये फॉर्मूला लग जाएगा, हाफ आई एक्सिस ऑफ रोटेशन इंटू ओमेगा स्क्वायर, डायरेक्टली ये फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन क्या है, आई एक्सिस ऑफ रोटेशन ये निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैसे निकालोगे, ठीक है। तो अपन इसके लिए क्या करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, भाई सेंटर ऑफ मास का तुमको पता ही होता है, तो आई अबाउट एनी एक्सिस, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई अबाउट एनी एक्सिस इक्वल टू क्या, आई अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस क्या, एम इंटू डी स्क्वायर, खत्म। यही तो अपना फॉर्मूला था, आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इज एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व प्लस एम इंटू डी स्क्वायर, डी क्या है, एल बाई फोर, तो यहाँ पे क्या होगा, एल स्क्वायर बाई सिक्सटीन, तो एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व प्लस एम एल स्क्वायर बाई सिक्सटीन, उसका आंसर कितना है यहाँ पे, 4 एंड 3, तो 7 एम एल स्क्वायर बाई क्या 48, राइट। एलसीएम एलसीएम निकालो, वो नहीं निकालने आता होगा तो भाई समझ रहे हो ना। काइनेटिक एनर्जी, अब यहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ इंटू आई एक्सिस ऑफ रोटेशन जो कि ये आया, ठीक है, तो बस वहां पे 7 बाई 48 एम एल स्क्वायर डाल दो यहां पे, ओमेगा स्क्वायर कर दो, काम खत्म हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो ये हो गई मेरी काइनेटिक एनर्जी, तो अब ये हमारा काइनेटिक एनर्जी आ गया। हाँ, अब मुझे बताओ, क्वेश्चन को थोड़ा सा और अच्छा करना है इसी में, क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा अच्छा करना है, मतलब नीट में ही या इवन जेई मेन में थोड़ा सा उसको और थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ाना है, तो कभी कभी क्या दिया जाता है पता है, कभी कभी ये ओमेगा नहीं दिया जाएगा, ये ओमेगा नहीं दिया जाएगा, बोला जाएगा कि भाई इसकी वेलोसिटी मैंने दी है, देखो यहाँ पे जैसे मैंने इसकी वेलोसिटी दे दी वी नॉट, मतलब जो सेंटर ऑफ मास है ना, सेंटर ऑफ मास, हाँ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी दे देंगे। अब यहाँ पे पंगा है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, क्या होती है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, आपको पता है कोई भी चीज, देखो कोई भी रॉड जो है ना, कोई इस एक्सिस के अबाउट जब रोटेट करता है, तो मैंने क्या बोला, ये रोटेट ऐसे कर रहा है तो उसका हर एक पार्टिकल क्या करता है, सर्कुलर मोशन। तो मुझे बताओ यहाँ पे कोई डिस्टेंस एल पे एक पार्टिकल होगा, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू क्या आ जाएगा, एल, ओमेगा एल आ जाएगा। सपोज इसका डिस्टेंस एल होगा तो या एक्स होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू एक्स, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, पढ़ा है ना भाई, बहुत बार पढ़ा है अपन ने, ठीक है, सर्कुलर मोशन के लिए। तो बस सिंपल ये कंसेप्ट इस पर लगा दो, मैं यहाँ पे इसको निकाल देता हूं। तो अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, इस केस में जो ये वेलोसिटी v नॉट वो हो जाएगी ओमेगा इंटू क्या हो जाएगी, l बाई फोर, देखो ना क्योंकि इधर से ये l बाई फोर डिस्टेंस पे और ये पॉइंट ऐसे घूम रहा है, तो ओमेगा इंटू l बाई फोर आर ओमेगा, ठीक है, आर ओमेगा लगा तो ओमेगा इंटू एल बाई फोर कर लो। अब यहाँ पे जो ओमेगा इंटू एल बाई फोर है, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर है, एल स्क्वायर है, तो ओमेगा एल बाई फोर को वी डाल दो, बस
ओमेगा एल बाई फोर को वी नॉट डाल दो, तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा जिसका मैच अच्छा है, कितना आ जाएगा आंसर बताओ मुझे, ओमेगा एल बाय फोर, ठीक है, तो यहां से कितना निकलेगा, यहां से कितना निकलेगा, अब यहां पे ओमेगा एल बाय फोर है ना, फोर का स्क्वायर कितना होता है, हाँ तो थ्री इंटू टू कितना होगा, सिक्स, तो यहां पे आंसर क्या आएगा, सेवन बाय सिक्स एम वी स्क्वायर, कोई दिक्कत है, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, थोड़ा सा देख लो यार, मतलब ये वाला चीज यहाँ पे डालना है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन आ गया, अब किसी ने बोला कि भाई रोलिंग में, अब ये रोलिंग कर रहा है, रोलिंग में इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, अब रोलिंग में इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, अब यहाँ पे मैंने एक वापस और चीज बताई थी, जब रोल होता है, रोल कब होता है, जिसने मेरा रोलिंग का कंसेप्ट नहीं सुना है, फटाफट यहाँ पे देख लो, रोलिंग किसको बोलते हैं, देखो एक एक स्फीयर है, फटाफट देख लो यहाँ पे, क्योंकि कुछ लोग पिछले लेक्चर में आगे आगे जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया तक सब लोग थे, उसके बाद घायल हो गए लोग, ठीक है, ऐसा पकड़ लो एंगुलर वेलोसिटी, वी नॉट से जा रहा है, एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, ठीक है, ये रोटेट कर रहा है, अब ये रोटेट कर रहा है, इस रोटेट को, रोटेशन को रोलिंग कब बोलेंगे, इसको रोलिंग जब बोलेंगे, अब मुझे बताओ हर एक पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा, जैसे टॉप मोस्ट पॉइंट का, मैंने बोला टॉप मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी क्या है, टॉप मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी क्या है, वी नॉट आगे, देखो प्योर ट्रांसलेशन प्लस प्योर रोटेशन, ओमेगा आर भी कहां पे होगा, ओमेगा आर भी कहां पे होगा, आगे ही होगा, सिंपल सी बात है ना, ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे जब घूम रहा है तो ओमेगा आर भी आगे होगा, वी नॉट भी आगे होगा, तो इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या हो गया, वी नॉट प्लस ओमेगा आर, सबसे नीचे वाला पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा, वी नॉट आगे होगा, ठीक है, और ओमेगा आर कहां पे होगा, ओमेगा आर कहां पे होगा, पीछे होगा, मुझे बताओ ये चीज रोलिंग कब करेगी, मैंने क्या बोला था, व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन, मतलब जैसे ये पॉइंट नंबर वन पकड़ा और ग्राउंड पॉइंट नंबर टू है, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट ये रुका रहेगा, देयर इज नो रिलेटिव मोशन, इसका मतलब पॉइंट टू की वेलोसिटी कितनी है, पॉइंट टू की वेलोसिटी इक्वल टू पॉइंट वन का वेलोसिटी, पॉइंट टू तो ग्राउंड है खुद, तो पॉइंट टू की वेलोसिटी जीरो हो गई, और पॉइंट वन की वेलोसिटी क्या होगी, वी नॉट माइनस ओमेगा, समझ में आ रहा है, वी नॉट इधर ओमेगा इधर, तो वी नॉट इज इक्वल टू ओमेगा आर आ गया इस पर्टिकुलर केस में, तो यहाँ पे वी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा आर, समझ में आया, तो ये कंडीशन होगी रोलिंग के लिए, और आपको पता है, आपको पता है एक्सिस ऑफ रोटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब जब बॉडी रोटेट होती है, सपोज बॉडी सपोज ऐसे रोटेट हो रही है, तो ये पॉइंट रुका रहता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहां पे रोल में बॉडी तो आगे आगे जा रही है ना, आगे 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 ऐसे जाते रहेगी, लेकिन उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए देखोगे, मतलब इस पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए ये जो बॉडी है, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए ये पॉइंट, पॉइंट नंबर वन क्या है, रुका है, रेस्ट पे है, तो इसी को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब ऐसा करेगा कि जैसे कि बॉडी उस पॉइंट के अबाउट ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है, जस्ट पर्टिकुलर टाइम के लिए, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए क्या लगेगा पता है आपको, कि मैंने एक डिस्क ली है और इस डिस्क को इस पॉइंट के अबाउट मैंने ऐसा फिक्स कर दिया और वो घूम रहा है ऐसे, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, लेकिन वो पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए, नेक्स्ट इंस्टेंट में कोई दूसरा पॉइंट आ जाएगा, उसके बाजू वाला पॉइंट आ जाएगा, और डिस्क अपने आगे आगे चलती रहेगी, ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या बोला, काइनेटिक एनर्जी का रूल क्या है, तीन जगह पे काइनेटिक एनर्जी वैलिड होती है, यहाँ पे भी वैलिड होती है, देखो काइनेटिक एनर्जी हाफ ये इस जगह पे भी वैलिड होती है, ठीक है, या स्टॉपलिंग में भी होगा गाइस, स्टॉपलिंग में भी रोलिंग का केस कंडीशन हो सकता है, बस वहां पे वो पॉइंट रुका होना चाहिए, ठीक है, तो आपको समझ में आया, नहीं तो आप जनरली क्या करोगे, मुझे होता है इसकी काइनेटिक एनर्जी ढूंढने के लिए आप क्या करोगे, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर अलग से करोगे, प्लस हाफ आई सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा स्क्वायर अलग से करोगे, बराबर ना, यही तो करोगे यार, क्योंकि रोटेशन है ना आगे जा रहा है, लेकिन ये सब करने की जरूरत है क्या, ये सब करने की जरूरत है क्या, नहीं है, क्योंकि ये कैच कौन सी केस है, रोलिंग में डायरेक्टली फॉर्मूला क्या मैंने बोला था, ये सपोज इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, ठीक है, अब ये जो चीज है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, तो हम लोग डायरेक्टली यूज क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला हाफ आई इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इंटू क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, काम खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे हाफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये कौन सा स्फीयर है, होलोस्फीयर, मुझे होता है होलोस्फीयर में इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, भाई पैरेलेक्सिस थ्योरम लगाओ यार, पैरेलेक्सिस थ्योरम लगाओ, ये हो गया मेरा आई सेंटर ऑफ मास, तो आई अबाउट एनी एक्सिस इक्वल टू
आई अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर, फटाफट निकाल के तुम्हारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 2/3 एम आर स्क्वायर प्लस डी कितना है एम आर स्क्वायर, तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा 5/3 एम आर स्क्वायर, तो यहाँ पे 5/3 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं नीट में, ठीक है। हाँ, अब कभी कभी क्या बोला जाएगा सर, ये वी दिया रहेगा, यहाँ पे वी चाहिए। अब मैंने मैंने क्या बोला, ये रोल कर रहा है और वी दिया है, तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर ओमेगा ना भाई, वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर ओमेगा, तो आर ओमेगा की जगह वी डाल दो, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 5/6 एम वी स्क्वायर, काम खत्म तुम्हारा, ठीक है। तो ये जो है ये होते हैं काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेशन, तो ये सब काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस है, ठीक है, जिसमें अपन एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं, खत्म बात। इसमें अब तक जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, इसमें कोई थोड़ा सा डाउट है आपको, मैंने सारे केसेस दिख दिए आपको, एग्जाम्पल वन एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल थ्री, ठीक है। हाँ, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, और मैंने आपको बोला था पूरा का पूरा मेरा रोटेशनल मोशन का यूट्यूब का वीडियो फास्ट ट्रैक में देख लो, ठीक है। जो एकदम हाई हाई के कंसेप्ट होंगे तो वो नीट वालों के देखने की जरूरत नहीं है, इवन जेई मेन वाले लोग एकदम एकदम इन डेप्थ वाला मत देखो, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट पूरा का पूरा देख लो, ठीक है। अच्छा, जिन्होंने देखा है बहुत ही अच्छी बात है, ये स्क्रीनशॉट ले लो, एक मिनट 50% करता हूं मैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे लगता है पूरा का पूरा इसमें कवर हो गया। नहीं, अच्छी बात है विराज, एंगुलर मोमेंटम तक देख लिए, गुड। क्योंकि रोटेशन मोशन देखो यार, रोटेशन मोशन जो होता है वो डिफिकल्ट होता ही है, नो डाउट, ठीक है। आज दिखाऊंगा मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस तो आपको समझ में आएगा। प्रियन, ट्रांसलेशन होगा ना, मैंने क्या बोला यार, रोलिंग के तब वक्त क्या होगा ट्रांसलेशन भी यार, देखो तुम याद करो ना यार, मैंने क्या बोला था, यहां पे देख लो, हाँ टॉपलिंग भी आता है, तुमने देखा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको तुम लोगों को क्या बोला था यार, रोटेशन होता है, रोटेशन के तीन पार्ट होते हैं। अरे रोटेशन में तीन पार्ट होते हैं, रोटेशन में एक होता है रोटेशन विद स्लाइडिंग, रोटेशन विदाउट स्लाइडिंग विच इज रोलिंग, ठीक है, और एक्सेस ऑफ रोटेशन प्रेजेंट, जिसमें मैंने आपको बोला था कि कोई भी एक मास है जो वेलोसिटी वी से जा रहा होगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा होगा, तो वी एंड ओमेगा से ऐसे ऐसे जा रहे, देखो यहाँ पे ओमेगा से ऐसे ऐसे जा रहा है, जिसमें सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट देखोगे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इस केस में v आगे आ जाएगी, ओमेगा r पीछे आएगी। अब डिपेंड करता है v बड़ा है ओमेगा r से, सपोज v बड़ा है ओमेगा r से, तो ये वाला पॉइंट कैसे जा रहा होगा, ये थोड़ा सा ना माइप मतलब पेंट है ना, वो ऐसा कुछ 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 लाइन दे रहा है, v आगे जा रहा है ओमेगा r से, तो इसीलिए v तो ये नीचे वाला पॉइंट है वो कहां पे जा रहा होगा, आगे जा रहा होगा, उसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड स्लाइडिंग। ओमेगा r बड़ा है v से तो कहां क्या हो रहा होगा, बैकवर्ड स्लाइडिंग। लेकिन ऐसा ऐसा कभी कभी आपने देखा होगा ना, कोई भी स्फीयर, मेरा वो मेरा वीडियो देखो, ठीक है, कोई भी स्फीयर जाता है तो ऐसे घिसके घिसके जाता है, ऐसे 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 जा रहा होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड स्लाइडिंग, ऐसा ऐसा करके जा रहा है, कुछ कुछ ऐसा ऐसा पीछे वाला ऐसा, कभी कभी टायर पता है गाड़ी के स्कीड होते हैं, स्कीड तो ऐसा स्कीड होते होते जाते हैं, मतलब उसको हम लोग बोलते हैं बैकवर्ड स्लाइडिंग। और कभी कभी आपने देखा होगा एकदम मस्त जाता है, ऐसा लगता है कि एकदम आराम से जा रहा है, जो आराम से जा रहा है मतलब क्या, ये वाला पॉइंट जो सरफेस को वो बिल्कुल ऐसा स्कीड या ऐसा आगे स्कीड या पीछे स्कीड करता नहीं है, वो एकदम मस्त अपना रहता है और आगे आगे जाता रहता है, वो होता है रोलिंग। तो ये जो पॉइंट है, देखो ये पॉइंट, अब जैसे मैंने यहां पे तुमको बताया, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट नंबर वन बोला, ये पॉइंट नंबर टू बोला, इसके अंदर रिलेटिव मोशन होगा, मतलब वी वन इज नॉट इक्वल टू वी टू, तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, ये नॉर्मल रोटेशन हो गया, ठीक है, ये रोटेशन विथ स्लाइडिंग हो गया, रोटेशन विथ स्लाइडिंग, स्लाइड हो रहा है यहां पे। बट इफ वी वन इक्वल टू वी टू होगा, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट, इफ वी वन इक्वल टू वी टू, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक पूरा का पूरा डिस्क रखा हुआ है, वेलोसिटी वी से जा रहा है, ये रोटेशन ही है गाइस, ये रोटेशन ही है, इसमें ट्रांसलेशन भी है और रोटेशन भी है, देखो ना वी है और ओमेगा भी है। बट ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट का वेलोसिटी वी वन होगा, इस पॉइंट का वेलोसिटी वी टू होगा नीचे वाले का, तो v1 इक्वल टू क्या होगा v2, तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए यहाँ पे कोई भी स्लाइडिंग नहीं है, देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोलिंग, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोलिंग। कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। और फिर मैंने एक बोला था रोटेशन का पार्ट, देखो रोटेशन, नॉर्मल जो रोटेशन का पार्ट और क्या होता है,
जिसमें बॉडी रोटेट कर रही है लेकिन एक एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रेजेंट होता है। देखो यहाँ पे जैसे ये बॉडी रोटेट कर रही है, यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये एक पार्ट हो गया जिसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन इज प्रेजेंट, ठीक है। मुझे बताओ रोटेशन में, किसी ने बोला रोटेशन में प्योर रोटेशन में फर्क क्या है? ये तो हो गया रोटेशन, व्हाट इज डिफरेंस इन रोटेशन प्योर रोटेशन? प्योर रोटेशन जो होता है, देखो प्योर रोटेशन जो होता है, गाइस मैं काम करूंगा इसके बाद ना, एक क्वेश्चन आपको दूंगा, वो क्वेश्चन आप करो, ठीक है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा पीसी को मुझे ना रिस्टार्ट मारना पड़ेगा, और मैं सोच रहा हूँ कि वो अपना जो माई पेंट है उसके ऊपर ही जाते हैं, क्योंकि एक बहुत ऐसा एक लाइन आ रही है बहुत बार जो परेशान कर रही है। अब यहाँ पे देखो प्योर रोटेशन में क्या होता है, व्हाट इज प्योर रोटेशन? प्योर रोटेशन में सेंटर ऑफ मास इज फिक्स्ड। देखो इस केस में सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी होती है ऐसे, और ये जो मास होता है, देखो ये जो पॉइंट होता है, ये सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया। देयर इज नो वेलोसिटी, सिर्फ घूमते रहेगा ऐसे। यहाँ पे देखो घूम भी रहा है आगे भी जा रहा है, तो घूम भी रहा है आगे भी जा रहा है, मतलब इसके प्योर ट्रांसलेशन भी है, मतलब आगे तो जा ही रहा है और घूम भी रहा है, प्लस प्योर रोटेशन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेशन। समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा सा रिवाइज हो रहा है ना, ठीक है। तो ये चीज रोटेशन हो गई, जिसमें रोटेशन विद स्लाइडिंग केस हो गया, रोलिंग केस हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रेजेंट है, तीन केसेस और हो गए, ठीक है। चलो अच्छी बात है, अब हम लोग जाते हैं एंगुलर मोमेंटम पे, फटाफट सब लोग देख लो एंगुलर मोमेंटम देख लेते हैं। हाँ टॉपलिंग का भी एक हाथ दो केस दिखाता हूं मैं, टॉपलिंग का भी एक हाथ दो केस दिखाता हूं मैं, ठीक है। प्रियन समझ में आया ना? चलो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं एंगुलर मोमेंट, एक मिनट एक छोटा सा और, मतलब क्योंकि यहाँ पे फिर काइनेटिक एनर्जी खत्म ही हो जाता है, ठीक है, जो मैंने कल भी किया था तुम लोग को मैंने, ये गाइज ये वाला पार्ट जो है नीट वालों के लिए नहीं है, लेकिन 10 मिनट क्योंकि एंगुलर मोमेंटम तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो एंगुलर मोमेंटम के लिए तुमको रुकना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके पहले मैं 10 मिनट का एक ऑफ ट्रैक जाता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा मेंस एंड एडवांस के लिए हो जाएगा, जो मैंने कल पिछले लेक्चर में बताया था वर्क एनर्जी थ्योरम, बताया था ना मैंने फटाफट वर्क एनर्जी थ्योरम मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, तो जो एडवांस वाले लोग थे वैसे भी थे, तो फटाफट सुन लो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू क्या बोला था मैंने, चेंज इन क्या, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या, ये काइनेटिक एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी। यहाँ पे जो अपन ने ऊपर जो कैलकुलेट की है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल काइनेटिक एनर्जी। टोटल जैसे रोटेशन में अपन ने ये दोनों किया एड, ये दोनों किया, इसमें टोटल हो गया, वो टोटल काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, बस टोटल लेने का। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है उसको टोटल काइनेटिक एनर्जी लेने का बस, मतलब रोटेशन का भी कंपोनेंट लेंगे और ट्रांसलेशन का भी कंपोनेंट लेंगे दोनों, ठीक है, और वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस करेंगे, खत्म बात। अब इस केस में मैंने एकदम सिंपल सा एग्जांपल भी तुम लोग को दिया था, ठीक है। कौन सा एग्जांपल दिया था मैंने, चलो वही एग्जांपल कर लेते हैं। सपोज मैंने ऐसा बोला कि ये एंगल है 30 डिग्री और लेट्स से यहां पे, ठीक है, यहाँ पे एक स्फीयर है, ठीक है, ये सॉलिड स्फीयर लिया मैंने, अब ध्यान से दोनों, यहाँ पे ये सॉलिड स्फीयर लिया मैंने, इसको यहां से छोड़ा, ठीक है, इसको यहां छोड़ा, वो आगे आगे आ रहा है, पहले इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, बोला है कि जब ये एकदम यहाँ पे आएगा ग्राउंड पे आएगा, ठीक है, अब ऐसा पकड़ लो कि इसकी जो लेंथ है ये लेंथ एल है जहां से छोड़ा उसको, हम एंड इसका ये जो रेडियस है ये रेडियस है आर। अब लेंथ इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द रेडियस, ऐसा दिया हुआ, length is very very greater than radius, ये दिया है। अब यहाँ पे और एक condition दी है कि guys ये चीज roll कर रहा है, क्या कर रहा है, roll, ये rolling है, तो मुझे पता जब rolling कर रहा है तो ये जब यहाँ पे पहुंचेगा तो इसकी velocity क्या होगी, v, और ये घूम रहा होगा, ये घूम रहा होगा तो angular velocity भी है, तो velocity v और angular velocity है। ध्यान में रखना यहाँ पे friction भी है, friction का coefficient दिया है mu। अब एक कंडीशन, इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो ये सारे मतलब जेई मेन के बहुत डिफिकल्ट, मतलब डिफिकल्ट लेवल एंड एडवांस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब, लेकिन बहुत इजी होते हैं। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, कौन से वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस में रहेगा, वर्क एनर्जी हम याद करो यार, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल इज इक्वल टू चेंज इन टोटल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब इस केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या रहेगा, क्या बोला था मैंने, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी एंड ग्रेविटी के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, मुझे बताओ ये चीज L होगी तो ये चीज कितनी होगी, L क्या होगी, साइन 30, नाउ व्हाट इज L साइन 30, L साइन 30 इज कितना, L बाई 2। तो मुझे बताओ इस केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, mg के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी यहां पे क्या हो गया, mg इंटू L बाई 2, काम खत्म,
अब ध्यान में रखना इन केस ऑफ रोलिंग, ये चीज दिमाग में रखना है गाइस, सब एडवांस वाले लोग दिमाग में रखो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू कितना, जीरो। इन केस ऑफ कौन सा, रोलिंग के केस में वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो था, वर्क डन बाय नॉर्मल भी जीरो होता है, क्योंकि तुम लोग को पता नॉर्मल ऐसा होता है, डिस्प्लेसमेंट ऐसी होती है, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काम खत्म, चेंज इन टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, हाफ क्या, I axis of rotation, instantaneous of rotation into omega square, काम खत्म कर लो ना, डायरेक्टली ओमेगा मतलब डायरेक्टली कर दो यहाँ पे। तो यहाँ पे हाफ इज, अब ये सॉलिड स्फीयर है, 2/5 mr² + mr² तो यहाँ पे 7/5 mr² गाइज, ये आपको आना चाहिए। नीट वाले लोग, ये आपको सपोज फटाफट नहीं आ रहा है तो भाई कर लो, ठीक है, 7/5 mr² × ω² कर लो, काम खत्म हो गया तुम्हारा, यही मेरा आंसर है भाई। इससे मुझे क्या मिल गया, ओमेगा, इस इक्वेशन से मुझे ओमेगा की वैल्यू मिल गई, तुम्हारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत है? हाँ शुभम बोल सर, एनर्जी हम लोग कौन से केस में कंजर्व कर सकते और कौन से केस में कंजर्व नहीं कर सकते? हाँ, अब यहाँ पे देखो, ये था एग्जांपल वन, इसमें इसको अभी तक तुमको समझ में आया, ठीक है गाइस? यहाँ पे एक चीज है, रोटेशन के क्वेश्चन में जब भी ना रोलिंग होगा तो एनर्जी कंजर्व होगा, ठीक है, मास वेरिएबल होगा तो एनर्जी कंजर्व नहीं होगा। देखो जहां पे मास वेरी कर रहा है नहीं होगा, ठीक है। तो और सेकंड चीज, मतलब एनर्जी कंजर्व में एक दो क्वेश्चन देता तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये समझ में आए तुमको, ये काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन समझ में आया कैसे करना है, राइट? बाकी तो मैंने उस दिन भी एक कुछ क्वेश्चन किया था, मैंने इस तरह का क्वेश्चन आपको किया था, आपको याद होगा। एग्जाम्पल टू में मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा दिया था जिसमें एक रॉड है, इस रॉड को यहां से छोड़ दिया तो रॉड ऐसा नीचे आएगा। अब ये मास एम का और लेंथ एल का रॉड है, जब ये यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे बोला है कि इसकी एनर्जी, इसका ओमेगा कितना होगा। बस वापस वही सेम चीज करो यार, नहीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा तो वो नहीं होगा, एनर्जी कंजर्व नहीं होता, ठीक है। चीजें जो है, देखो मैंने क्या बोला था, डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा तो एनर्जी कंजर्वेशन करने के लिए थोड़ा सा, मतलब वो डिपेंड करता है कि केस कौन सा है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम तक को अभी तो बात नहीं किया मैंने, अभी बताऊंगा ना तुमको। ये पहले तुमको समझ में आया क्या, ठीक है? चलो तो अब यहां पे जैसे कि इस केस में एक रॉड है, इस रॉड को मैंने छोड़ दिया तो रॉड ऐसे आ रहा है। अब ऐसे आ रहा है तो बोला है कि इसका इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जीरो था, तो जब ये यहाँ पे आया तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। तो यहाँ पे क्या क्या फोर्सेस आएंगे, एक ग्रेविटी फोर्स आएगा, वापस ये सब चीजें जेई मेन एंड एडवांस के लिए काम में आती है, नॉर्मल फोर्स एन वन है यहाँ पे, नॉर्मल फोर्स एन टू है, सारे हिंज फोर्सेस है। तो ग्रेविटी का वर्क क्या होगा यहाँ पे, एम जी इंटू क्या हो जाएगा, एल बाई टू। फटाफट से बताता हूँ, वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा और कुछ तो फोर्स होगा नहीं, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन टोटल काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ आई इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इंटू ओमेगा स्क्वायर, यही चीज मैंने बताई थी। बस इससे तुम्हारा काम हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल वन एग्जाम्पल टू हो गया। अब हम लोग जाते हैं एंगुलर मोमेंटम पे गाइस, एंगुलर मोमेंटम पे जाते हैं। किसको चाहिए तो ये दो एग्जांपल्स भी लिख के रखो, मतलब या फिर इसका एक वो ले लो, ठीक है। इसके अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं यार, एग्जांपल टू के बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस बन सकते हैं। मतलब एक रॉड को मैंने मैंने इस रॉड को इधर से ही छोड़ा, ये रॉड सपोज यहाँ पे 60 डिग्री पे आया तो बताओ इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा। तो बस कुछ नहीं यार, वर्क डन बाय ग्रेविटी बदलेगा और क्या नहीं बदलेगा, और कुछ बदलेगा नहीं, बस सेंटर ऑफ मास से करते रहो, तुम्हारा आंसर आते जाएगा, ठीक है। अब मेन चीज गाइस, मेन जो चीज है वो है एंगुलर मोमेंटम गाइस। ये चीज भी नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बिल्कुल मत हटना, मतलब मैं बताऊंगा उसके बाद तुम लोग ने मतलब तुम लोग गए तो भी चलेगा, लेकिन अभी एंगुलर मोमेंटम का जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है वो नीट वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको एंगुलर मोमेंटम का स्टार्टिंग वाला पार्ट बोलता हूं मैं, ठीक है। सो लेट्स अगेन स्टार्ट विद एंगुलर मोमेंटम। अब यहां पे देखो एंगुलर मोमेंटम, अब एंगुलर मोमेंटम क्या है, ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम होता क्या है। एंगुलर मोमेंटम का पहले कैलकुलेशन देखते हैं ना, हाउ टू कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम। पहले तो एंगुलर मोमेंटम ना यार, जैसे एनर्जी क्या था, स्केलर था, एनर्जी जो था काइनेटिक एनर्जी स्केलर, राइट? तो अपने को कुछ जरूरत नहीं पड़ी, फटाफट अपन ने के लिया। एंगुलर मोमेंटम क्या है, वेक्टर, और एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है और उसको दिखाते हैं अपन एल से, ठीक है। तो ये एल वेक्टर होता है,
अपन डायरेक्टली भी मैग्नीट्यूड हिसाब से ही दिखेंगे क्योंकि डायरेक्शन अपने को पता है। सब सिंपल सी बात है यार, कभी भी पार्टिकल घूम रहा होगा क्लॉकवाइज तो, या एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको पता है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा तो थंब जो होता है वो डायरेक्शन देता है एंगुलर वेलोसिटी का, बस एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन भी वैसे ही है, ठीक है। तो उसमें अपना भी अपने जो फिंगर्स है वो घुमाने के और देखने का कि एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन कहाँ पे है। इसी ने बहुत ही ठंडा करके रखा है। अब एंगुलर मोमेंटम का तीन चीजें होती है, एक होता है प्योर ट्रांसलेशन, मैंने तीन चीजें बताई थी, प्योर ट्रांसलेशन मतलब बॉडी सिर्फ आगे जाएगा, प्योर रोटेशन बॉडी घूमेगा बट सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगा, और तीसरा केस कौन सा था, रोटेशन। सेम यार, मतलब सेम चीज है, इसमें क्या था, प्योर ट्रांसलेशन था प्लस प्योर रोटेशन था, दोनों कॉम्बिनेशन था। तो प्योर ट्रांसलेशन का केस कौन सा था कि जहां पे मैंने आपको क्या बताया था, प्योर ट्रांसलेशन में अपन ने मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे कोई भी एक लेट्स से डिस्क है, ठीक है। अब ये जो डिस्क है ये जा रही है वेलोसिटी वी नॉट से, तो उसका हर एक पॉइंट का वेलोसिटी कितना होगा, हर एक पॉइंट का वेलोसिटी कितना होगा, वी नॉट होगा, ठीक है। तो मुझे बताओ जो प्योर ट्रांसलेशन के केस में, अब मुझे तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में हम लोग डिस्क हो या कुछ भी हो, इसको पूरे को हम इस पूरे मास को हम लोग कहां पे रखते हैं, सेंटर ऑफ मास पे, और ये सेंटर ऑफ मास m का है और जो वेलोसिटी वेलोसिटी v नॉट से जाता है, ऐसे ऐसे ही लेते हैं ना अपन, ठीक है। तो मतलब मैंने ऐसा कोई ऑब्जेक्ट होगा जो सिर्फ प्योर ट्रांसलेट कर रहा है तो उसको पहले तो कन्वर्ट करने का सेंटर ऑफ मास पे रख देने का, खत्म बात, ठीक है। ये मेरा हो गया सेंटर ऑफ मास। अब ध्यान में रखना इसका मोमेंटम क्या होगा ना, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ दिस, सिंपल मोमेंटम मैं यहां पे मोमेंटम पी को लिखता हूं एम वी नॉट, ये हो जाएगा मेरा मोमेंटम। आपको पता है व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, मैं एंगुलर मोमेंटम का एक्चुअल डेफिनेशन यहां पे लिख देता हूं, मैं एंगुलर मोमेंटम इज नथिंग बट, मैं एंगुलर मोमेंटम वेक्टर इज नथिंग बट आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। क्या बोला मैंने, इट इज माय आर वेक्टर, ठीक है, क्रॉस पी वेक्टर, उल्टा पी क्रॉस आर मत बोलो, इट इज आर क्रॉस पी। और एंगुलर मोमेंटम को हम लोग और एक टर्म बोलते हैं, राइट, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, राइट। तो अब मैंने बोला एक पॉइंट है, मैंने बोला एक पॉइंट है, लेट्स से ये पॉइंट P1 है, ठीक है। इस अब मुझे एंगुलर मोमेंटम चाहिए अबाउट दिस पॉइंट, एंड एंगुलर मोमेंटम जैसे टॉर्क मैंने बोला था ना, कभी भी अपन फोर्स लगाते, लेट्स से मैंने यहां पे फोर्स लगाया, उस फोर्स का टॉर्क इस पॉइंट पे क्या होगा, तो टॉर्क के लिए अपन क्या लगाए, टॉर्क इज ऑलवेज अबाउट अ पॉइंट। सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज अबाउट अ पॉइंट, लेट्स से मैंने बोला एंगुलर मोमेंटम अबाउट P1 क्या होगा, इस पॉइंट P1 पे एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, सेम भाई टॉर्क का, आपको पता है टॉर्क का कैलकुलेशन याद है, क्या कर देते जहां पे फोर्स लगा है वहां पे ऐसे लाइन ड्रॉ करते, तो यहाँ पे भी ऐसे लाइन ड्रॉ करने का, देखो यहाँ पे भी मैंने क्या किया, ऐसे कुछ एक लाइन ड्रॉ किया ऐसे, और इस पॉइंट P1 से इस लाइन पे मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर खींच लिया, और ये परपेंडिकुलर का डिस्टेंस d होगा, तो बस। तो यहाँ पे सेम चीज, यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा एम वी नॉट इंटू डी, काम खत्म, ठीक है, एम वी नॉट इंटू डी, सेम चीज। किसी को यार वेक्टर से करना है जिसका वेक्टर बहुत अच्छा है, तो तुम लोग ये आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर वगैरह करके भी कर सकते हो, मतलब ये मैंने आर वेक्टर को ड्रॉ किया ऐसे, ठीक है, तो ये आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर करके भी कर सकते हो, लेकिन क्यों करना है यार, मतलब ये आर वेक्टर क्रॉस मोमेंटम वेक्टर, तो सिंपल सी बात है, आर क्रॉस मोमेंटम करोगे तो पेज के अंदर ही आएगा वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट से, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं करना है, सेम अपना टॉर्क का कंसेप्ट, जिस पॉइंट पे मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम निकालना है, जैसे P1 पे निकालना है, तो सेंटर ऑफ मास पे अपन ने पूरा मास रखा हुआ है, ये पूरी मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, इस यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस करो एम बी नॉट डी, ये मेरा आंसर आ जाएगा, काम खत्म। और मुझे होता है डायरेक्शन कहां पे होगी, डायरेक्शन कहां पे होगी, तो पॉइंट P1 के अबाउट ये सेंटर ऑफ मास कैसे घूमेगा, कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है ना, क्लॉक मतलब क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, तो क्लॉकवाइज घूमेगा तो बस फिंगर्स घुमाओ, पेज के अंदर है थंब, इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, पेज के अंदर होगा, ठीक है। अब किसी ने बोला सर इधर इधर कहां पे होगा, पॉइंट P2 पे कहां पे होगा, जैसे मैंने बोला ये पॉइंट P2 है और ये डिस्टेंस है सपोज, तो यहां पे D है, तो मुझे तो पॉइंट P2 पे क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट P2 क्या होगा, एम वी नॉट इंटू क्या होगा, सपोज ये डिस्टेंस मैंने D2 लिया तो ये D2, लेकिन पॉइंट P2 के अबाउट वो कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो कहां पे होगा, बाहर होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, तो पॉइंट P2 के अबाउट ये जो मास है कुछ ऐसे घूमने की कोशिश करेगा ना, मतलब ठीक है, तो ध्यान में रखना, तो उसके हिसाब से फिर वो बाहर होगा। तो एंगुलर मोमेंटम जो है ना सिंपल टॉर्क की तरह, ठीक है, अपना राइट हैंड थंब रूल से आएगा, वो कैसे घूम रहा है उसके हिसाब से आएगा, क्योंकि वेक्टर है गाइस, ध्यान में रखना एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर, और जनरली इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन, देखा ना अपन ने, ठीक है।
अब हो गया प्योर रोटेशन. अब प्योर रोटेशन मतलब क्या होता है, जहां पे आप देखते हो प्योर रोटेशन के केस में सेंटर ऑफ मास क्या हो जाता है, यहां पे जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या हो जाता है, फिक्स्ड. अब यहां पे सेंटर ऑफ मास भाई फिक्स्ड हो गया और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो जाएगी. आपको पता है इसका मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देता हूं, डायरेक्टली फॉर्मूला होता है. वो फॉर्मूला का डेरिवेशन कैसे आता है पता है, हर एक छोटे छोटे मास का डीएम का, ये डीएम की वेलोसिटी कुछ वी होगी तो डीएम वी इंटू आर. एंगुलर मोमेंटम तो ऐसे ही आता है ना, एम वी आर, तो डीएम वी आर ऐसा करके उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है. इंटीग्रेट करोगे तो आपका आंसर डायरेक्टली पता है क्या आएगा, अब ये ध्यान में रखना. एंगुलर, ये प्योर रोटेशन के लिए, प्योर रोटेशन के लिए एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट होगी, इसका मास एम होगा. तो आपको पता है इसका जो मोमेंट मतलब एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास होता है mv, तो m के जगह जैसे आप याद करो ना काइनेटिक एनर्जी, यार हाफ mv स्क्वायर थी, उसके हाफ i ओमेगा स्क्वायर होगी, तो यहां पे m के जगह क्या आ गया, i आ गया, और v नॉट के जगह क्या आ गया, ओमेगा आ गया, बस i ओमेगा, ये खत्म. ये होता है मेरा एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, सेंटर ऑफ मास लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि यहां पे सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही घूम रहे हैं. तो इस केस में एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, i * ओमेगा, मतलब क्या, i सेंटर ऑफ मास * ओमेगा, ये हो गया प्योर रोटेशन में. अब नॉर्मल रोटेशन में, नॉर्मल रोटेशन क्या होता है भाई, नॉर्मल रोटेशन का थोड़ा सा पंगा होता है क्योंकि नॉर्मल रोटेशन में गाड़ी जो जो डिस्क होती है आप देखोगे यहाँ पे, तो इस केस में डिस्क जो होती है वो घूमती भी है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से और आगे भी जाती है वेलोसिटी वी नॉट से. तो मतलब ये आगे भी जा रही है और घूम भी रही है. ठीक है, अब आगे भी जा रही है घूम भी रही है, अब रोलिंग हो कुछ भी हो गाइस, अभी कुछ याद नहीं रखना है. जैसे मैंने बोला इस पॉइंट पे मुझे एंगुलर मोमेंटम चाहिए पॉइंट पी वन, इसमें अलग अलग केसेस कुछ बनेंगे नहीं. ठीक है, अभी ऐसे कुछ अलग केसेस नहीं बनते रोलिंग बिलिंग वाले. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पॉइंट पी वन पे मुझे चाहिए ना एंगुलर मोमेंटम, पॉइंट पी वन पे निकाल सकता हूँ. कैसे निकालेंगे, अब मुझे बताओ यहाँ पे पहले मैं डिस्टेंस एक यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा. अब यहाँ पे दो कंपोनेंट है, एक प्योर ट्रांसलेशन का कंपोनेंट है, मतलब प्योर ट्रांसलेशन का कंपोनेंट मतलब क्या होना चाहिए, कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए, एम वी नॉट डी टाइप का कुछ दिखना चाहिए. इसका मतलब क्या है, पूरे के पूरे इस मास को मैं यहां पे रख दूं तो ये मास वेलोसिटी कितने से जा रहा है, वी नॉट से जा रहा है. तो एक तो इस पॉइंट पी वन पे आएगा, मतलब एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट पी वन क्या आएगा, एक आएगा एम वी नॉट डी, ये तो आएगा ही आएगा प्योर ट्रांसलेशन का कंपोनेंट, प्लस फिर एक कंपोनेंट आएगा प्योर रोटेशन का. अब प्योर रोटेशन में क्या होता है, यहां पे और एक कंपोनेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसमें बहुत लोग मार खाते हैं, आई सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा. ये घूम भी तो रहा है ना यार ओमेगा से, देखो ना ओमेगा नॉट से घूम रहा था, तो घूमने वाला एक कंपोनेंट ये आ गया, ये बहुत तकलीफ दे रहा है पेंट. ठीक है, तो एक घूमने वाला था. ठीक है, जो ये लिखा मैंने, तो ये मेरा था प्योर रोटेशन का पार्ट और ये मेरा था, ये कौन सा था मेरा, प्योर ट्रांसलेशन का पार्ट, दोनों को मैंने ऐड करना पड़ा. ठीक है, हाँ परमेश्वर बोल. सर प्योर रोटेशन में डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे एंगुलर मोमेंटम का, जिस डायरेक्शन में ओमेगा नॉट है, कैसे ओमेगा नॉट, ऐसे क्लॉकवाइज है ना. यस सर. तो पेज के अंदर भाई, क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है, पेज के अंदर, एंटी क्लॉकवाइज पेज के बाहर, बाहर. ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये एम वी नॉट डी हो गया, ये अब ये तो प्योर रोटेशन की बात होगी ना, इसमें तो दोनों का कंपोनेंट ऐड करना पड़ेगा. हाँ लेकिन यहाँ पे पंगा है, पंगा क्या है, जैसे पॉइंट पी वन में मैं कैलकुलेट करता हूं, देखो यहाँ पे मैंने पॉइंट पी वन पे कैलकुलेट किया, ध्यान से देखो यहाँ पे पॉइंट पी वन पे कैलकुलेट किया, तो पॉइंट पी वन में ये सेंटर ऑफ मास इसका जब जाएंगे तो मुझे बताओ इसका डायरेक्शन कहाँ पे, ये कैसे रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज, पॉइंट पी वन के अबाउट ये जो मास है, ये मास कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज घूम रहा है, और ये खुद ये जो घूम रहा है ये वाला वो भी अंदर, ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो दोनों के डायरेक्शन सेम है, तो ऐड हो जाएगा. ठीक है, तो इसमें मोमेंटम क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा. लेकिन मैंने बोला पॉइंट पी टू पे, ये चीज मैंने बहुत अच्छे से बताई है अपने वीडियोज में गाइस, जिसको समझ में नहीं आएगा ना प्लीज मेरे यूट्यूब वाला जो वीडियो है उसको भी प्रॉपर तरीके से देख लो. ठीक है, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने, मैं स्लो ही जा रहा हूँ अभी, मतलब मैं कुछ फास्ट नहीं जा रहा हूँ. ठीक है, एज इफ मैं पूरा का पूरा पढ़ा रहा हूं. अब पॉइंट पी टू पे अपन एंगुलर मोमेंटम देखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉइंट पी टू में क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो पॉइंट पी टू के अबाउट ये जो मास है,
ये खास करके एडवांस ओरिएंटेड कंसेप्ट अपन इसको बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट यार नीट में आ सकता है, तो नीट में अच्छे लेवल पे आ सकता है, नीट को इतना इजी नहीं मानना अपने को, ठीक है। तो पॉइंट पी टू के अबाउट ये सब ऐसा जा रहा होगा, तो पॉइंट पी टू के अबाउट ऐसे घूम रहा है, देखो ना ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट अभी क्या होगा, पेज के बाहर आएगा। ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट तो ऐसे ही घूम रहा है, तो पेज के अंदर आएगा, तो यहाँ पे भी साइन का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसमें मोमेंटम अबाउट पॉइंट पी टू में, इसमें अपन माइनस साइन डाल देंगे तो इसको प्लस साइन डाल देंगे, देखो यहाँ। और किसी ने बोला कि मुझे पॉइंट पी थ्री पे चाहिए, देखो पी थ्री मतलब क्या है, ये पॉइंट तो इधर ही है, मैं अलग कलर में लिखता हूँ, चाहिए तो सपोज पॉइंट पी थ्री पे चाहिए तो वो तो इसी पॉइंट पे, इसी डायरेक्शन में, तो अबाउट पॉइंट पी थ्री अपन करेंगे तो मोमेंटम अबाउट पॉइंट पी थ्री, एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट पी थ्री में एम वी नॉट का कोई कंपोनेंट ही नहीं आएगा, देयर इज नो कंपोनेंट, तो एम वी नॉट का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ये कंपोनेंट ही नहीं आएगा। तो मैं चलो यहाँ पे, तो पॉइंट पी थ्री में ये तो कंपोनेंट जीरो हो गया क्योंकि उसी लाइन में है, सिर्फ किसका कंपोनेंट बचा, कौन बचा, सिर्फ प्योर रोटेशन, तो प्योर ट्रांसलेशन तो जीरो हो गया, सिर्फ ये बचा, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये जो चीज है ये कैलकुलेशन हो गया एंगुलर मोमेंटम, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे सब लोग देखो, इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, ये एग्जांपल फटाफट पहले कर लो और उसके बाद मैं वो कर लेता हूँ। गाइज देखो नीट में कैसे एग्जांपल्स आ सकते हैं, ठीक है, और फिर मैं जेई मेन्स एंड एडवांस, इसके बाद अभी जेई मेन्स एडवांस चालू हो जाएगा अपना, ठीक है। तो एग्जांपल वन में हाँ स्क्रीनशॉट देता हूँ ना, रुको ना पहले एग्जांपल तो कर लो यहाँ पे, या इसका सिर्फ स्क्रीनशॉट चाहिए क्या तुम, नहीं इसका स्क्रीनशॉट क्यों लेते हो, पूरे का ले लो, ठीक है। तो अब यहां पे देख लो, यहां पे देख लो सब लोग गाइस, यहां पे देख लो एग्जांपल वन, अब एग्जांपल वन में मैं ऐसा पकड़ लेता हूं कि एक मिनट, ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, नहीं एक मिनट, एक मिनट, हाँ पहले तो मुझे होता, सपोज एक एक रॉड है, इसको देते, एक ये एक डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क जो है वो प्योर रोटेट कर रही है, प्योर रोटेट कर रही है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से, सेंटर ऑफ मास फिक्स्ड है। ये डिस्क जो प्योर रोटेट कर रही है जिसका रेडियस आर है, ठीक है, और यहां पे एक मास बैठा है, यहां पे एक और मास बैठा है, ऐसा पकड़ लेते कि ये डिस्क का मास एम है और ये जो यहां पे जो मास बैठा है इसका मास है एम बाई टू, ठीक है, एकदम कॉर्नर पे बैठा है जो रेडियस आर पे बैठा है, तो मुझे बताओ इसका पूरा एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम इस मास का, मतलब टोटल कॉम्बिनेशन का डिस्क प्लस वो मास, क्या होगा एंगुलर मोमेंटम बताओ मुझे जरा, बताओ क्या होगा भाई एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, रुको एक मिनट यार, पहले उस पर मत जाओ, पहले नॉर्मल एंगुलर मोमेंटम बताओ यार, इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, ठीक है, इसका एंगुलर मोमेंटम होगा, डिस्क का अलग से करो भाई, डिस्क का अलग से करो ना यार, डिस्क भाई दो पार्टिकल है, एक डिस्क का अलग है, सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, ठीक है, ये दोनों करो तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क कितना होगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क कितना होगा,
आई सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा आई ओमेगा एम वी आई ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितना होगा वो अपन निकालेंगे, तो आई ओमेगा तो ये मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, आई सेंटर ऑफ मास ओमेगा कितना है, डिस्क रोटेट कर रही है अबाउट अबाउट ए सेंटर, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू ओमेगा, ठीक है, और पार्टिकल का कितना होगा, पार्टिकल का कितना, पार्टिकल इधर है एकदम इधर है, तो यहाँ पे पार्टिकल का हो जाएगा एम बाई टू एम इंटू आर स्क्वायर, भाई इसका भी तो यही होगा ना यार, पार्टिकल का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पार्टिकल का भी लिख देता हूँ मैं, आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा कर लेते हैं, तो ये पार्टिकल m by 2 मास का एक पॉइंट पॉइंट पार्टिकल है वो, तो पॉइंट पार्टिकल का क्या होगा m by 2 r स्क्वायर, थोड़ा सा याद कर लो m r स्क्वायर, इस पार्टिकल का मास कुछ अलग होता, ठीक है, चलो मैं काम करता हूं आपको समझने के लिए, इस पार्टिकल का मास लेता हूं m1, तो मुझे होता यहां पे क्या होता आंसर m1 r स्क्वायर, सीधा m1 r स्क्वायर, ठीक है, तो m1 r स्क्वायर इनटू क्या हो जाता ओमेगा, क्योंकि साथ में घूम रहा है, तो ये होता है मेरा एंगुलर मोमेंटम, समझ में इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में ये हो जाएगा मेरा एंगुलर मोमेंटम, नीट में ये सब काम में आने वाले। अब थोड़ा सा अच्छा ये क्वेश्चन भी आ सकता है कैलकुलेशन बेस्ड, ठीक है, बिल्कुल आ सकता है, ऐसा कुछ वो है नहीं, मैंने ऐसा बोला कि ये देखो एक एक रॉड है, एक रॉड है जो मास एम का है लेंथ एल का है ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है, अब मुझे बोला है कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट चाहिए, सपोज एक्सिस ऑफ रोटेशन भी यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन भी पास हो रही है, ठीक है, तो यहां पे बोला है एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना होगा इस पूरे रॉड का, इसका मास m है लेंथ l, क्या होगा क्या करोगे, पर्टिकुलर पता है इस केस में एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट घूमना है ना, आपको पता है डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, आई अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू ओमेगा डायरेक्टली करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, आंसर इसमें आ जाएगा, इसमें डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो एम एल स्क्वायर बाई थ्री इंटू ओमेगा कर लो, आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है, आपको चाहिए तो अपन प्रूव भी कर सकते हैं इसको, मतलब इसका इसका वेलोसिटी वी ले लो, ठीक है, और दोनों कंपोनेंट को सेपरेटली ऐड करो तुमको सेम आएगा आंसर, मतलब यहाँ पे तुमको चाहिए तो एम बी इंटू एल बाई टू करो, ठीक है, ये प्योर ट्रांसलेशन का हो जाएगा और प्योर रोटेशन का क्या हो जाएगा आई इंटू ओमेगा हो जाएगा, आई सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा, ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे तो आंसर मेरा यही आने वाला सेम आएगा, ठीक है, तो ये मेरा एग्जांपल टू हो गया, कोई दिक्कत है, ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट ये तो हो गया तुम्हारा क्या एंगुलर मोमेंटम का, एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेशन, भाई कैलकुलेशन तो तुम्हारा हो गया, ठीक है, एक लास्ट का क्वेश्चन देता हूं मैं, एक डिस्क है, ठीक है, एक डिस्क है ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी पार्ट नीट में पूछा जाता है, मतलब नीट एंड जेई मेन में, मैं नीट बोल रहा हूं तो नीट एंड जेई मेन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो नीट एंड जेई मेन में और एक चीज आता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का, ये वाला पार्ट जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, ठीक है, यहां पे सब लोग ध्यान से देख लो, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है गाइस आज पढ़ाना ज्यादा हो गया, मतलब क्योंकि ये चीज बाकी अपनी बची थी एडवांस के लिए, मुझे लगता है कि एडवांस क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए मुझे और एक लेक्चर लगने वाला है, मतलब छोटा सा लेक्चर मैं ले लूंगा बाद में, क्योंकि आज एंगुलर इंपल्स वो भी मुझे लगता है काइंड ऑफ पढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है, मुझे एक एक्स्ट्रा लेक्चर लेना पड़ेगा क्योंकि SHM इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, तो SHM का अपन थोड़ा टाइम अपन इसमें ले सकते हैं, नहीं फ्राइडे वगैरह को नहीं, संडे दो ही दिन मेरे पास है हस्तांश, बाकी कोई भी दिन नहीं मिलेगा, और गोरेगांव वालों को शायद से कुछ टाइम चाहिए था, अलग से लेक्चर चाहिए था मैंने सुना, गोरेगांव वालों को कुछ अलग से लेक्चर चाहिए था ऐसा कुछ तो बोल रहे थे, ठीक है, और मुझे पता है किसने किसने, क्योंकि वहां पे स्क्रीनशॉट भी आया था गाइस, जिसको चाहिए कुछ कुछ लोगों ने, जिन लोगों ने हैंड रेस किया था, मुझे पता है यश या फिर अपना हस्तांश तुमने नहीं किया था भाई, जिनको लेक्चर चाहिए मिलेगा तुमको, लेकिन मेरा नहीं मिलेगा,
रमन सर का मिलेगा आपको, चाहिए तो ले लो, ठीक है? ठीक है आराध्य, तुझे मिल जाएगा। अब यहां पे देखो, अभी हम लोग जो अभी एक केस ले रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? एंगुलर मोमेंटम। और आराध्य गुड, मतलब तू अच्छा कर रहा है, टेस्ट में वगैरह अच्छा कर रहा है, करते रहे, ठीक है? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता है ना, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन? देखो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन होता क्या है, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं ना, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एकदम सिंपल सा बात है यार भाई। जैसे मैंने बोला था मोमेंटम कंजर्वेशन दो टाइप के होते हैं, आपको याद करो, थोड़ा सा याद करो, याद करो थोड़ा सा, कि ये मास, सपोज मैंने सपोज एम रखा है, मतलब आपको याद होगा ये, और इसके ऊपर ये आदमी खड़ा है M1 का। मैंने बोला ना ये आदमी जब आगे जाता है वेलोसिटी वी से, तो ये कितने से रिकॉइल होता है वेलोसिटी वी आर, ये पूछे थे अपन, राइट? तो हम लोग क्या बोलते थे, इसके ऊपर फ्रिक्शन आगे, इसके ऊपर फ्रिक्शन पीछे, नेट फोर्स इज जीरो। नाउ इफ द नेट फोर्स इज जीरो, वी कैन कंजर्व व्हाट, मोमेंटम, वी कैन कंजर्व मोमेंटम, ऐसा बोलते थे। तो हम लोग हमेशा ऐसा बोलते थे, याद करो, हम लोग हमेशा ऐसा बोलते थे, ये तो मोमेंटम वाला क्वेश्चन था, मैं ऐसा लिखता था, हमेशा बोलता था कि इफ नेट फोर्स इज जीरो, क्योंकि फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डीपी बाई डी टी। नाउ इफ फोर्स इज जीरो, वी कैन कंजर्व मोमेंटम, दैट इज माई इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू क्या, फाइनल मोमेंटम, ऐसा बोलते थे अपन, इफ द नेट फोर्स इज जीरो। सिमिलरली अब तुम एक सिंपल सा बात बताओ यार, ठीक है? तुम लोग को पता है कि टॉर्क क्या होता है, व्हाट इज टॉर्क, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। नाउ व्हाट इज एफ वेक्टर, बहुत देखो ना यार यहाँ पे कितना सा वो लाइन लाइन आते जा रहा है दिमाग। अब यहां पे ये होता है डीपी बाई डी टी, पता है आपको? और आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखोगे तो मैं आपको ना यहाँ पे लिख के रखता हूँ, मैं एक चीज लिखता हूँ यहाँ पे, आपको पता है एंगुलर मोमेंटम क्या था, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? नाउ एंगुलर मोमेंटम इज आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, एंड इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो डीएल बाई डी टी में करूंगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आर क्रॉस डीपी बाई डी टी, देखो ना यहाँ पे, एंड माई डीपी बाई डी टी इज नथिंग बट वॉट, फोर्स ओनली, राइट? तो ये जो चीज होगी ये क्या होगी, आर क्रॉस एफ, मतलब क्या हो गया, टॉर्क ही हो गया ना, देखो ना, तो मेरा टॉर्क क्या हो गया, जैसे मेरा, मैंने बोला फोर्स इज माय, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इज व्हाट इज टॉर्क, इज रेट ऑफ, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट, एंगुलर मोमेंटम, ध्यान में रखना। सो टॉर्क, माय टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम गाइज। तो सिंपल सी बात है, इफ टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, कोई किसी का टॉर्क जीरो होगा, टॉर्क जीरो है, और टॉर्क हमेशा कहां पे होता है, अबाउट क्या होता है, अबाउट क्या होता है, पॉइंट होता है। तो इफ टॉर्क इज जीरो, मेरा मोमेंटम क्या हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो चेंज इन मोमेंटम जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनल एंगुलर मोमेंटम गाइस। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, देखो टॉर्क मोमेंटम ये सब अबाउट अ पॉइंट होता है, तो अभी हमने, हमको देखना है टॉर्क, हमेशा हमको देखना है अबाउट अ पॉइंट, ठीक है? अब इसमें ना बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, और किस टाइप के प्रॉब्लम बनते हैं मैं आपको बताऊं, लोअर लेवल पे, लोअर लेवल पे मतलब क्या, नीट एंड जेई मेन लेवल पे। तो नीट एंड जेई लेवल, मेन लेवल पे कौन से क्वेश्चन बनते हैं, मैं टाइप ऑफ क्वेश्चन बताता हूं, ठीक है? एक टाइप का क्वेश्चन ऐसे होगा, चलो ध्यान से सुनो, एक डिस्क होगी, ठीक है? ऐसा पकड़ लो एक डिस्क के, मैंने आप ये क्वेश्चन कुछ करवाए होंगे, ठीक है? नहीं, टॉर्क कांस्टेंट होगा तो नहीं यार, टॉर्क जीरो होना चाहिए, टॉर्क जीरो होगा तो ही एंगुलर मोमेंटम, कौन कभी फोर्स होगा, कभी बॉडी पे फोर्स होगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है क्या सुरेश? नहीं होता ना, टॉर्क जीरो होना चाहिए गाइस, मैं वापस बता रहा हूं, टॉर्क शुड बी इक्वल टू जीरो, तो ही डीएल बाई डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, तो ही एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल, मतलब एंगुलर मोमेंटम इनिशियल इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम फाइनल होगा, ठीक है? अब यहां पे देख लो, यहां पे ये मैंने डिस्क लिया, अब ये जो डिस्क है ये डिस्क घूम रहा है, ठीक है? अब ये डिस्क घूम रहा है जैसे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से, और ऐसा पकड़ लेते डिस्क का मास है एम, कितना है एम, और अब सुनो क्या हुआ, डिस्क का मास एम था जो ऐसे था,
यहां पे एक यहां पे ऐसा पकड़ लो एक m/6 मास का एक पार्टिकल बैठा है, एक पार्टिकल बैठा है, ये डिस्क है। अब दोनों कितने से घूम रहे हैं, मुझे होता है दोनों जो है वो कितने से घूम रहे हैं, दोनों कितने से घूम रहे, ओमेगा नॉट से घूम रहे हैं, ठीक है। अब क्या किया, ये जो m/6 का पार्टिकल था वो घूमते 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 किधर आया, सेंटर पे आया। अब यहां पे देखो सेंटर पे आया और सेंटर पे आके बैठ गया। तो ये बेसिकली था इसका इनिशियल पोजीशन, इस मास का m/6 का, ये था इसका फाइनल पोजीशन, m/6 अभी सेंटर पे आके बैठ गया। तो अब बोला है कि नया एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, अब नया कुछ एंगुलर वेलोसिटी बनेगा ओमेगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी। अब यहां पे ध्यान में रखना यार, देख एक आदमी इसके ऊपर बैठा है ना, डिस्क के ऊपर घूम रहा है, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन, देखो यहां पे ये घूम रहा है होगा सपोज ओमेगा नॉट से, तो जो भी होगा यार, मतलब जो भी होगा, जो भी इनिशियल है, इस पॉइंट के ऊपर सेंटर के ऊपर नेट टॉर्क जीरो होने वाला है। देखो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, एमजी जो भी होगा सब पेज के अंदर है, उसका टॉर्क जीरो होने वाला है। यहाँ पे कोई भी एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगाएगा गाइस, ठीक है, नो एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड नहीं है क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर एक चीज चेंज होगी, ठीक है। तो यहां पे नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, जीरो। अब टॉर्क जीरो है तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम कर देंगे, सिंपल। अब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या है, सब कुछ चीज घूम रही है तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, मुझे होता है डिस्क है तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है। अभी जस्ट तो किया था यार अपन ने, ऊपर तो किया था, मैंने यहाँ पे ऐसी क्वेश्चन दिया था आपको, देखो मैंने एक ऐसी क्वेश्चन आपको यहाँ पे ऊपर पूछा था, ठीक है, डिस्क का। तो जो भी है तो डिस्क का एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे कर लो, डिस्क का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, एम कैपिटल एम आर स्क्वायर बाय टू इंटू क्या, ओमेगा नॉट, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। ये छोटा जो मास है, ये m/6 वाला मास है, उसका क्या होगा, m/6 मास इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट होगा। तो ये था मेरा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, व्हाट इज फाइनल एंगुलर मोमेंटम, मुझे होता है ये मास, पॉइंट मास सेंटर पे जाके पहुंच चुका है तो उसका तो गायब हो गया क्योंकि कोई डिस्टेंस ही नहीं बचा यहाँ पे, कुछ कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं बचा, सिर्फ किसका बचेगा, सिर्फ डिस्क का बचेगा। डिस्क का क्या होगा, एम आर स्क्वायर बाय टू। अब जो नया एंगुलर वेलोसिटी हो गया वो ओमेगा हो गया, तो यहां से जो आएगा वो मेरा ओमेगा आएगा, समझ में, यहां से जो मेरा आंसर आएगा वो मेरा एक्चुअल ओमेगा है। इससे कर दो आप लोग, काम खत्म हो गया तुम्हारा। अब एग्जांपल टू एक अलग इस तरीके का आता है, इसके बहुत सारे वेरिएशन बनते हैं, बहुत सारे वेरिएशन, मतलब क्या है, एक रिंग है, ठीक है। अब ये रिंग पे पहले दो मासेस यहां पे लटकाए हुए, रिंग का मास है लेट्स से 2m और इन छोटे छोटे मास का है m, ये पहले इधर था पेरिफेरी पे था। अब ये रिंग के ऐसे घुसते घुसते, मतलब ये रिंग नहीं डिस्क ले लेते, ठीक है। अब ये डिस्क के सपोज ये इधर आ गए, ये इनिशियली था, फाइनली सपोज वो इधर आ गए, ठीक है, कुछ ऐसे, तो ये मास m आ गया, लेट्स से r by 2 पे आ गया। अब मुझे होता नया एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, बस वही इनिशियल इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही करना होता है। कभी कभी ये ऐसा वाला क्वेश्चन आता है, थर्ड टाइप का क्वेश्चन, अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, अर्थ घूम रही है, अर्थ अर्थ पकड़ो या कोई भी मास पकड़ो यार, मतलब ये कोई भी मास पकड़ लो, अभी अर्थ पकड़ लो, मून पकड़ लो, कोई भी पकड़ लो जो अपने अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है। चलो अर्थ नहीं, ऐसा पकड़ लेते एक मास एम एस स्फीयर है जो रेडियस आर का है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से घूम रहा है। सडनली इस मास को मैंने क्या कर दिया, सडनली इस मास को मैंने m/4 कर दिया, ये m/6 कर दिया, मतलब सडनली उसको मैंने कम कर दिया, रेडियस उतना ही रखा, जैसे रेडियस उतना ही रखा, ठीक है, तो क्या होगा, या सडनली उसका ये जो रेडियस है, सडनली इसका रेडियस जो है ये मैंने छोटा करके r/2 कर लिया, मास m रखा, तो बताओ सडनली क्या होगा, रेडियस यहां पे मैंने हाफ कर दिया, तो मुझे होता एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा। तो यहां पे क्या कर लेंगे, अब मुझे होता ये रेडियस का हाफ कर लेते, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या था, इनिशियल इक्वल टू फाइनल। अब अर्थ घूम रहा है या वो मास घूम रहा है, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, 2/5 एम आर स्क्वायर एंगुलर, मतलब आई इंटू ओमेगा, ओमेगा नॉट इनिशियल था, फाइनल कितना हो गया, सडनली मैंने हाफ कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2/5 एम आर बाई टू का स्क्वायर हो गया। अब एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो गया, मुझे तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गई या कम हुई, एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो पहले से क्या हो गई, 4 times हो गई भाई, 4 times हो गई, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गई। तो मुझे बताओ जो टाइम पीरियड है वो क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी 4 times हो गई, मतलब फास्ट घूमने लगा, तो टाइम पीरियड भी क्या हो गया, बाय 4 हो गया। तो सपोज ये अर्थ होता
अब एक अर्थ की केस होती तो अर्थ केस में 24 आवर्स लगता है एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए, तो अब मुझे बताओ टाइम कितना लगेगा, बाई 4 हो जाएगा तो 6 आवर्स में कंप्लीट कर देगा वो, समझ में आ रहा है? तो 6 आवर्स में पूरा का पूरा रोटेशन मारेगा। अब गलती से ये मास, ये जो रेडियस है वो मैंने सपोज 2R कर दिया, बढ़ा दिया, तो क्या हो जाएगा? तो बेसिकली ये क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट बाई 4 हो जाएगी। बाई 4 मतलब क्या, धीरे धीरे घूमेगा। बाई 4 मतलब क्या, जो 24 आवर्स लगता है अभी उसको, तो अभी इसको कितना लगेगा, 24 × 4 ठीक है 96 आवर्स लगेगा, आराम से घूमेगा वो। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं गाइस, आपको समझ में आ रहा है चीज है? इसमें और एक टाइप के क्वेश्चन आते हैं, देखो ये सारे क्वेश्चन नीट में आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जहां पे दो डिस्क घूम रहे हैं, ठीक है, इसका एंगुलर वेलोसिटी आई वन है, मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वन है, एंगुलर वेलोसिटी सपोज ओमेगा वन है, एक घूम रहा है इसका इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई टू है, ये ओमेगा टू है। अब ये दोनों डिस्क एक के ऊपर एक रखी, तो अब ये जब एक के ऊपर एक रखी तो ये कॉम्बिनेशन में घूमने लगेगा, मतलब एक का रेडियस कम एक का रेडियस ज्यादा ऐसा पकड़ लो। अब ऐसा पकड़ लो आई वन आई टू दोनों घूमने लगा और दोनों घूम रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो बोला है कि भाई एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बताओ कितना होगा, तो क्या करेंगे इस केस में, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है, अब ये ऐसा घूम रहा है या ऐसा घूम रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा आई वन ओमेगा वन इसका क्या होगा माइनस आई टू ओमेगा टू, समझ में, ये हो जाएगा इसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इनिशियल, और फाइनल में क्या होगा, अब फाइनल में क्या होगा बताओ, फाइनल में दोनों साथ में घूम रहा है तो यहाँ पे दोनों में क्या होगा आई वन प्लस आई टू, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ऐड ही हो जाएगा यहाँ पे, इनटू क्या हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इस टाइप के कुछ कुछ क्वेश्चन बनेंगे, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, आपने सपोज मेरे वीडियोज देखे होंगे उसके बाद ये लेक्चर देखा होगा तो और अच्छे समझ में आएगा, यूट्यूब के वीडियोज मतलब एक्चुअल वीडियोज, ठीक है। ये मैंने आपको अलग अलग क्वेश्चन बताया एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के ऊपर के, जो बेसिक लेवल पे मतलब जेई मेन एंड एडवांस जेई मेन एंड नीट लेवल पे आते हैं, ठीक है, चारों चार टाइप के क्वेश्चंस, इससे तो और ज्यादा नहीं आएंगे, इसी टाइप का मतलब अलग अलग चीज, मतलब रॉड दिया रहेगा, अब ये रॉड घूम रहा है इसके अंदर एक पार्टिकल यहाँ पे बैठा है घूमते घूमते अंदर आ गया, तो बताओ नया एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, सब चीजें करते रहो, कोई दिक्कत है? ठीक है, अब हम लोग जाते इंपॉर्टेंट पार्ट और वो है जेई एडवांस का पार्ट, ठीक है। तो अब तक गाइज ज्यादा हो गया मतलब, ठीक है, अब जो पार्ट है वो एडवांस का पार्ट हो जाएगा जिसमें हम लोग देखेंगे कोलिजन मतलब एंगुलर इंपल्स, ठीक है। ये नॉर्मल एंगुलर मोमेंटम था, एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेशन हो गया, एंगुलर मोमेंटम का वो हो गया, ठीक है। आज मैं आपको बता रहा हूं, अपने को एक मैं सेशन रखूंगा संडे को वगैरह, देखते हैं, ठीक है, रोटेशन के ऊपर के क्वेश्चन सॉल्विंग एडवांस वाले, ठीक है, एडवांस वाला मुझे अलग से एक लगेगा जिसमें मजा आएगा, ठीक है, एक एक्स्ट्रा लेक्चर में रखूंगा, आइदर संडे को या मैं देखता हूँ कौन से डे पे रखता हूँ, मैं नेक्स्ट वीक में ही एक सेशन हो जाएगा कि क्वेश्चन सॉल्विंग ऑन रोटेशन, रोटेशन मतलब अब तक का जो भी है सब कुछ। एसएचएम बहुत छोटा है, मैं वही सोच रहा हूँ, एसएचएम में संडे को खत्म कर दूंगा और मुझे लगता है वेनसडे को हम लोग रोटेशन के ऊपर सोच सकते हैं, और कुछ कुछ पार्ट एसएचएम में रोटेशन का भी है तो हो सकता है। ठीक है, मैं चीजों को एक बार रिस्टार्ट मारता हूं, तब तक एक काम करना आप, मैं एक छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ गाइस, ये एग्जांपल आप कर लो, तब तक मैं सिस्टम को रिस्टार्ट मारता हूँ, हाँ इसका आंसर मुझे बताओ फटाफट क्या होगा। ठीक है, मुझे एग्जैक्टली उसका आंसर चाहिए, एग्जैक्ट ऐसा पकड़ लो ये डिस्क है, चलो नहीं एक काम करते, ये स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, ठीक है, इसके अंदर एक टनल है, टनल है, टनल के अंदर ना दो मासेस है, ठीक है, इसका मास मैंने, ये स्फीयर है इसका मास मैं पकड़ता हूं एम, इसके अंदर जो पार्टिकल है इस पार्टिकल का मास है m/2 और यहां पे एक पार्टिकल है जिसका मास है m/4, तो ये पार्टिकल सेंटर में, देखो यहां पे दो दो पार्टिकल है और लेट्स से ये पूरा का पूरा स्फीयर जो है, ठीक है, एक मिनट इसको इजी बना देता हूं, थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा ये चीज,
ये जो स्फीयर है, नहीं तो फिर वो थोड़ा टाइम लगेगा आपको कैलकुलेशन, ये ओमेगा नॉट से घूम रहा है ऐसे अबाउट दिस ऐसे, और ये परपेंडिकुलर मतलब टनल एकदम डायमीटर वाला टनल है, ठीक है। अब यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे ये इसके पीछे आने लगा और ये m बाय फोर वाला मास ढूंढने लगा, मतलब आगे आगे जाने लगा, तो अब उल्टा हो गया, m बाय फोर का मास यहां पे पहुंच गया और m बाय टू का मास सेंटर पे आ गया, तो बोला है कि नया एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, ओमेगा नॉट का जो नया एंगुलर वेलोसिटी है वो अभी क्या बनेगा। ये सपोज ओमेगा नॉट है जो इनिशियल था, अब इसका जो नया एंगुलर वेलोसिटी बनने वाला है ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या हो, ठीक है। सॉलिड स्फीयर में दो मासेस हैं और वो घूम रहे हैं ऐसे ऐसे, रेडियस वीडियस आर दिया हुआ, ठीक है। फटाफट निकालो, स्फीयर का मास एम है, ये एम बाई टू है और इसका मास है एम बाई फोर, एम बाई टू इधर आ गया, एम बाई फोर से इधर चला गया, और तो नया एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कितना होगा वो निकालना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं इसको अभी बंद कर रहा हूं। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं बोला ना रिस्टार्ट कर रहा हूँ, पीसी को रिस्टार्ट कर रहा हूँ, तब तक वो चीज कर लो। ठीक है, चलो यहाँ पे अभी देख लो, यहाँ पे देख लो, यहीं पे आ गए अपन जैसे थे, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा रहेगा, मतलब ज्यादा पहले तकलीफ नहीं देगा, एटलीस्ट आधा घंटा। तो अब यहां पे देख लो, अब इसमें इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में सॉरी, ये जो कंसेप्ट है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, तो जो एंगुलर मोमेंटम वाला मैंने आपको बता दिया कि क्या है। अब एंगुलर मोमेंटम को थोड़ा सा और अपन अच्छे से डेप्थ में पढ़ते हैं। आपको मैंने एक चीज बोली थी, आपको पता होगा, नहीं नहीं वो जूम का व्हाइट बोर्ड वगैरह नहीं आता। अब यहां पर देख लो, मैंने एक चीज आपको सिंपल सी बताई थी, जब कोलिजन होता है, मतलब सपोज एक बॉडी रहेगी और बॉडी जब कोलाइड करेगी, जब कोलिजन होता है नॉर्मल वाले केस में, आपको याद होगा, मतलब मैंने सपोज एक मास m1 था, एक मास m2 था, ये v1 से जा रहा है, ये मास m2 v2 से जा रहा है, सपोज v1 बिगड़ा है, v2 है, तो कोलाइड करेगा, कोलाइड करने के बाद मैंने बोला था ना जस्ट बिफोर कोलिजन जस्ट आफ्टर कोलिजन, तो मैं क्या बोलता हूँ, जब कोलिजन हो रहा है तो अपन बोलते ना इसके ऊपर इम्पल्स लगेगा आगे, इसके ऊपर इम्पल्स लगेगा पीछे, राइट, तो जे होता था इम्पल्स, राइट, तो ये जो इम्पल्स होता है, मैं बोला था इफ द नेट इम्पल्स इज जीरो, नो इफ द नेट इम्पल्स इज जीरो वी कैन कंजर्व व्हाट, वी कैन कंजर्व व्हाट मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन, तो हम लोग मोमेंटम कंजर्व करते थे, मोमेंटम कंजर्व करते थे, लेकिन यहां पे मैं लिखता था जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो देखो मोमेंटम कंजर्वेशन के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है मोमेंटम कंजर्वेशन होता है कि लॉन्ग टाइम, मतलब इफ नेट फोर्स इज जीरो, देखो ना मैंने बोला था ना इफ नेट फोर्स इज जीरो वी कैन कंजर्व मोमेंटम एंड इफ नेट इंपल्स इज जीरो वी कैन कंजर्व पार्ट होते, तो सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम के भी दो पार्ट होंगे, एक होगा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन इवन द टॉर्क इज जीरो, जो मैंने अभी करवाया, जो इवन नीट एंड जेईई मेन में भी आता है, और एक होता है कोलिजन के टाइम्स, भाई कोलिजन। अब देखो यहां पे होता क्या, ठीक है, ये सब मैं रब कर देता हूं, मैं आपको सिंपल से बात दिखाता हूँ कि कोलिजन में होता क्या है बेसिकली, तो कोलिजन में अपन एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहां पे हम लोग एक सिंपल सी बात देखेंगे कि कोलिजन में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कैसे होता है। अब मैं एक छोटा सा आपको मैं एग्जांपल से देता हूँ, ठीक है, इसको एग्जांपल से अपन को करना पड़ेगा, इसमें ना अलग 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 टाइप के एग्जांपल्स आते हैं, जिसमें एग्जांपल वन लेता हूं, ठीक है, सब लोग ध्यान से सुनो, एक रॉड है, ऐसे रॉड लटका हुआ है, देखो ये रॉड है, इस रॉड का मास है m और लेंथ है l, ये एक्सिस फिक्स्ड,
फिक्स है, मतलब मुझे होता है रॉड कहां पे घूम सकता है, अबाउट दिस पॉइंट, अबाउट दिस पॉइंट इट कैन मूव, मतलब इस तरीके से. मैं एग्जांपल से करवाऊंगा, एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, ठीक है. अब मैंने पहले क्या किया, अब ध्यान से सुनो, पहले ध्यान से सुनो. अब इस क्वेश्चन को कैसे मैं ऊपर ऊपर बनाता हूं, मैंने ये जो पॉइंट है ना, एकदम ये वाला पॉइंट, यहां पे ना जोरदार किसी से मारा, मतलब किसी से हथौड़े से मैंने जोरदार मारा, मतलब मैंने ना यहाँ पे इंपल्स दिया, ठीक है. एक सडनली यहाँ पे मैंने एक इंपल्स दिया जे नॉट का, मतलब क्या किया मैंने, ये रॉड था ना, ये रॉड ऐसे था लटका हुआ, अब यहाँ पे जोरदार मैंने मारा, तो मुझे बताओ कैसे इंपल्स, मतलब मैंने जब मारा मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इंपल्स आया ना, मारा मतलब क्या हुआ, इंपल्स आया, तो एक जे नॉट का इंपल्स आया. तो मुझे बोला है, इस केस में मैंने बोला है कि जस्ट आफ्टर यू हिट द रॉड, इधर इधर भी इंपल्स आए, देखो ये जो पॉइंट है ना, इधर भी एक इंपल्स आए, देखो सिंपल सी बात है, जहां जहां पे भी नॉर्मल फोर्सेस होंगे, मैंने बोला इंपल्स कहां कहां के वजह से आता है, इंपल्स आता है नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन एंड टेंशन, इन सब के वजह से इंपल्स आ सकता है, ठीक है. तो अब मैंने इंपल्स किसके बोला है, मैंने मुझे बताओ, इधर तो नॉर्मल फोर्स है, हिंज फोर्स है, तो यहाँ पे इधर भी इंपल्स आया, तो मैं यहाँ पे जो भी मैं वो लिखता हूं, मुझे बोला है कि यहाँ पे इंपल्स कितना होगा, ठीक है, यहाँ पे जो इंपल्स आया ये जे एक्स में लेता हूँ, जैसे जे एक्स इंपल्स कितना आया, ये शायद से इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, मुझे पता नहीं जे एक्स कहाँ पे है, ठीक है. और कौन से अननोन होंगे मुझे बताओ, इसको जैसे ही मैंने जोरदार मारा क्या आ गया, इसके अंदर क्या आ गया बताओ, मैंने जे नॉट इंपल्स दिया हुआ है ना, तो इसके अंदर क्या आ गया, इसके अंदर एक वेलोसिटी आ गई और एक ओमेगा आ गया, ठीक है. तो एक ओमेगा आ गया और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो मुझे कितने अननोन्स मुझे बताए यहाँ पे, बताओ कितने अननोन्स है, जे एक्स ओमेगा एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये तीन अननोन है. तो मुझे चाहिए तीन इक्वेशंस, ठीक है, मुझे चाहिए तीन इक्वेशंस. अब कौन से इक्वेशन मिलेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखो. पहले मुझे बताओ इस कोई भी क्वेश्चन में मोमेंटम कंजर्व होगा क्या. देखो कभी भी ना दो तीन चीजें भी दिमाग में रखना है, मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है. मोमेंटम अपने को मैंने क्या क्या याद रखने को बोला था आपको, मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, क्या वर्क एनर्जी थ्योरम जो भी है, या फिर क्या तीसरा क्या होता है, अभी एंगुलर मोमेंटम आ गया. तो पहले तो मुझे बताओ इस केस में मोमेंटम कंजर्वेशन हो सकता है क्या, कैन यू कंजर्व मोमेंटम, बताओ क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई यहां पे क्या है, यहां पे इंपल्स है ना, एक इंपल्स है, यहां पे भी इंपल्स है भाई, ये इंपल्स का क्वेश्चन है यार, मतलब पहले तो इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व बिल्कुल नहीं होगा, मोमेंटम कंजर्व बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज इंपल्स इज नॉट जीरो. तो मुझे बताओ इस केस में पहले कोलिजन का कंसेप्ट, इंपल्स वाला कंसेप्ट, नेट इंपल्स, ठीक है, ये सारा एडवांस वाला है, इसमें कोई कोई जे बिन मेन में वगैरह भी नहीं आता, ठीक है, ये जे नॉट है, जे एक्स है. अब मुझे बताओ यहाँ पे नेट इंपल्स कितना होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूं, माई नेट इंपल्स इज इक्वल टू क्या होता है, वॉट इज इंपल्स, चेंज इन मोमेंटम, बराबर. ये तो मेरा बेसिकली ये चीज है, मेन नेट इंपल्स. लेकिन ध्यान में रखना सेंटर ऑफ मास, अपने को ना कुछ लेना देना नहीं होता, मैंने आपको बोला था ना, कोलिजन तक रोटेशन के पहले जितना भी है अपन सेंटर ऑफ मास से ही अपने को फर्क पड़ता है, अपने को बाकी कोई पॉइंट कैसे घूम रहा है कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. तो यहाँ पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा. अपन इंपल्स का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, इसमें इंपल्स का इक्वेशन लिखेंगे जे नॉट माइनस जे एक्स, ठीक है. यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम क्या, मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से ही फर्क पड़ता है. पता है इस इक्वेशन के लिए मुझे इस पॉइंट का ही फर्क है, मतलब पूरा का पूरा, पता है मैं जस्ट दिखा रहा हूं और फिर अप कर दूंगा, कोई रॉड की फर्क नहीं पड़ता, मुझे पूरा का पूरा सेंटर ऑफ मास पे रखूंगा, जे नॉट इधर लिखूंगा, जे एक्स यहाँ पे ऐसे रखूंगा, और इससे मुझे आया मेरा एक वेलोसिटी जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी थी, मास, तो इसका मुझे आ गया. पता है ना पॉइंट मास कंसिडर करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता शेप एंड साइज क्या होता है, ठीक है. तो इससे मेरा इक्वेशन आ गया, ठीक है. तो ये था मेरा इक्वेशन नंबर वन जो मैंने यहाँ पे बोल दिया, या मैं एक ही कलर यूज करता हूँ यहाँ पे, इक्वेशन नंबर वन इंपल्स का इक्वेशन आ गया. मुझे कोई तीन इक्वेशन चाहिए, और कौन सा इक्वेशन आएगा बताओ मुझे, और कौन सा इक्वेशन आएगा. देखो एक इंपल्स और दूसरा अपन अभी देखने वाले एंगुलर इंपल्स. नाउ व्हाट इज एंगुलर इंपल्स, जैसे टॉर्क होता है भाई, व्हाट इज टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सेम कंसेप्ट. तो टॉर्क का ही एंगुलर इंपल्स आता है ना, जैसे फोर्स का इंपल्स आता है, जैसे टॉर्क का क्या होगा, एंगुलर इंपल्स. एंगुलर इंपल्स क्या होता है पता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सॉरी फोर्स का बोलो, एंगुलर इंपल्स. मैं यहां पे एक टर्म लिख देता हूं, चाहिए तो ग्रीन में लिखता हूं,
ठीक है, एंगुलर इंपल्स एक टर्म आता है, एंगुलर इंपल्स जो होता है उसको हम लोग एआई लिखते हैं. सो माय एंगुलर इंपल्स इज नथिंग बट इंपल्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे अपन, वही अपना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, खत्म बात. और एंगुलर इंपल्स भी क्या होता है, अबाउट अ पॉइंट होता है, लाइक टॉर्क. टॉर्क क्या होता है, अबाउट अ पॉइंट. वैसे एंगुलर इंपल्स भी क्या होगा, अबाउट अ पॉइंट, खत्म. और इसमें क्या होगा, इंपल्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, खत्म बात. जैसे अब मुझे बताओ, और एंगुलर इंपल्स कोई भी पॉइंट पे ले सकते हैं, खत्म बात. और आपको पता है एंगुलर इंपल्स होता क्या है, एंगुलर इंपल्स इज नथिंग बट चेंज इन एंगुलर मोमेंटम. क्या बोला मैंने, एंगुलर इंपल्स. किसी ने बोला व्हाट इज एंगुलर इंपल्स, जैसे मैंने बोला यहाँ पे इंपल्स क्या होगा, देखो यहाँ पे लिखता हूं मैं, इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम. वैसे एंगुलर इंपल्स होगा क्या होगा, व्हाट इज एंगुलर इंपल्स, इट इज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम. काम खत्म हो गया भाई. और एंगुलर मोमेंट्स भी अबाउट अ पॉइंट होता है, तो ये भी एंगुलर. अब मुझे बताओ ये कोई भी पॉइंट पे ले सकते हैं, एट एनी पॉइंट, वी कैन टेक दिस एट एनी पॉइंट. लेकिन ऐसे पॉइंट पे लो ना जहां पे अपना कैलकुलेशन इजी हो. देखो अपना कैलकुलेशन इजी होना चाहिए, ऐसे पॉइंट पे लेने का जहां पे अपना कैलकुलेशन इजी होना चाहिए. अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में कहां पे लेना चाहिए, बताओ कहां पे लेना चाहिए एंगुलर इंपल्स. देखो मैं सेंटर ऑफ मास पे भी ले सकता हूं, मैं इस पॉइंट पे भी ले सकता हूं, मैं इस पॉइंट पे, किधर भी लो यार कुछ फर्क नहीं पड़ता. आपको पता है क्या नोन था अपने पास, अपने को जे नॉट पता है ना, अपने को क्या नहीं पता, जे एक्स नहीं पता, अपने को जे नॉट तो पता है ना यार. तो अपन कहां पे लेंगे, मैंने सपोज एंगुलर इंपल्स इस पॉइंट पे लिया तो किसका एंगुलर इंपल्स जीरो हो जाएगा बताओ मुझे, ये खुद जे एक्स का, क्योंकि जे एक्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं, जे एक्स का खुद, जे एक्स तो हट जाएगा पिक्चर से. तो एंगुलर इंपल्स अबाउट, तो मैं लिखता हूं एंगुलर इंपल्स अबाउट दिस एक्सिस, ये पॉइंट, ये मतलब ये वाला पॉइंट. तो मुझे तो इसमें एंगुलर इंपल्स क्या हो जाएगा, सिर्फ किसका हो जाएगा, जे नॉट का हो जाएगा. जे नॉट का एंगुलर इंपल्स कितना हो जाएगा, जे नॉट इंटू क्या, एल, कुछ है ही नहीं, जे नॉट इंटू एल होगा एंगुलर इंपल्स. जे एक्स का एंगुलर इंपल्स कितना हो जाएगा, ये जे एक्स खुद का एंगुलर इंपल्स तो कुछ है ही नहीं है क्योंकि वो उसी पॉइंट पे, तो उसका कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं है. मैंने बोला ना एंगुलर इंपल्स क्या होता है, इंपल्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं, लाइक टॉर्क, ठीक है. तो खत्म बात, इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम. अब एंगुलर मोमेंटम भी कहां पे लेंगे भाई, जिस पॉइंट पे एंगुलर इंपल्स ले रहे उसी पॉइंट पे एंगुलर, तो एंगुलर इंपल्स अबाउट अ पॉइंट इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अबाउट दैट सेम पॉइंट, ठीक है. अब इस पॉइंट पे, ये पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सीधा क्या लिख सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, आई अबाउट दैट एक्सिस इनटू ओमेगा हो जाएगा. क्या होता है वो, एम एल स्क्वायर बाई थ्री इंटू ओमेगा हो जाएगा. कोई दिक्कत है क्या, मुझे तो कोई दिक्कत है क्या, ये जो ये चीज क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, टू. इक्वेशन नंबर वन हो गया, इक्वेशन नंबर टू हो गया, इक्वेशन नंबर थ्री कौन सा है बताओ मुझे, इक्वेशन नंबर थ्री कौन सा है भाई, कंस्टेंट इक्वेशन, इंपल्स हो गया, एंगुलर इंपल्स हो गया, कंस्टेंट इक्वेशन लगा दो भाई. कंस्टेंट इक्वेशन क्या लगेंगे यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू क्या हो जाएगा, एल बाई टू, इक्वेशन नंबर थ्री. काम खत्म हो गया तुम्हारा, कोई दिक्कत है, बताओ सॉल्व करके बताओ आंसर कितना आ रहा है, बताओ सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आ रहा है इसमें. सॉल्व करके बताओ आंसर कितना है, लिखो इस क्वेश्चन को. हाँ शुभम बोल, सर अगर हम लोग ने सेंटर ऑफ मास के सिवाय कौन सा भी दूसरा पॉइंट लिया है तो हम लोग को उसका ट्रांसलेशन मोशन कंसीडर ही नहीं करना है, हम लोग जब आई वगैरह निकालेंगे तो सब वो उसी पॉइंट पे, तो वो कोई इस पॉइंट पे लिया तो देखो ना एंगुलर मोमेंटम का, एंगुलर मोमेंटम का जो कैलकुलेशन है वो डिफिकल्ट हो जाएगा ना. मतलब नॉर्मल अगर हम लोग ने कोई भी अपना अच्छा पॉइंट लिया जिसपे हम लोग का कैलकुलेशन ईजी है तो उस पॉइंट के अबाउट जब हम लोग कर रहे हैं कैलकुलेट तब हम लोग को ट्रांसलेशन मोशन टेक्निकली इग्नोर ही हो रहा है ना हम लोग का, पूरा सब कुछ ट्रांसलेशन मोशन हम लोग इतना कंसीडर भी नहीं कर रहे, वो ऑटोमेटिकली हम लोग के कैलकुलेशन में मतलब आई वगैरह में फिट हो रहा है ना. नहीं नहीं नहीं, इसमें नहीं होगा ये, इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से पास हो रहा है इसलिए वैलिड हुआ आई ओमेगा. ये तो तुमको आई सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा, कोई भी दूसरे पॉइंट पर आई सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा इफ एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नॉट प्रेजेंट, और एम वी सेंटर ऑफ मास इंटू डी यही यूज करना पड़ेगा, मतलब प्लस माइनस. ओके क्यों पता है, क्योंकि वहां पे एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रेजेंट नहीं है ना, इस केस में हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रेजेंट है और उसी पॉइंट पे हम लोग ले रहे हैं.
कोई भी एक्सिस ऑफ रोटेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन दोनों पे सिर्फ दोनों पे ही होगा वो आई और उसी पॉइंट पे लेना चाहिए, बाकी कोई भी पॉइंट पे लेके तो नहीं होगा। ओके जैसे मैंने इस पॉइंट पे लिया, मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे लिया तो अपने को निकालना पड़ेगा अभी यार, समझ रहे हो? लेकिन इसमें कोई भी क्वेश्चन जो आता है ना यार, जहां पे आइदर एक्सिस ऑफ रोटेशन पे या इधर सेंटर ऑफ मास पे हो जाता है आंसर, ठीक है? क्या आया आंसर, क्या आया? जेएक्स की वैल्यू कितनी आई, जेएक्स की वैल्यू कितनी आई? माइनस जे नॉट बाई टू आई, देखो ये आई क्या? जेएक्स की वैल्यू कितनी आई सर? यही आया, मैंने तो एम ओमेगा के टर्म्स में दिया। एम ओमेगा टर्म निकालना इन टर्म्स ऑफ जे नॉट निकाल भाई, इन टर्म्स ऑफ जे नॉट निकाल। हाँ यही है मतलब, यही है ना? तो मुझे बताओ इसका मतलब क्या हुआ, जेएक्स आया कहाँ पे, जेएक्स अभी कहाँ पे दिया है? मैंने एज्यूम ऐसे किया है तो मुझे बताओ इंपल्स कहाँ पे आएगा? इंपल्स कहाँ पे आएगा? उल्टे आएगा, उल्टे डायरेक्शन में आएगा, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस आएगा ना। हाँ ठीक है, अब एक काम करो, सेम केस है, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन तुम फटाफट करो और मुझे दिखाओ, ठीक है? फटाफट बताओ मुझे, क्योंकि इसके ऊपर मेरे को थोड़ा सा कंसेप्ट और बिल्डअप करना है, ठीक है? ये मास एम है, मैं तुमको दिखाना चाहता हूं कि कैसे सोचना है, फिर तुम लोग क्या है ना अपने आप में थोड़ा सा प्रैक्टिस करो दो तीन दिन, ठीक है? मुझे पता है कि रोटेशन थोड़ा सा, इसीलिए मैंने एसएचएम, मतलब मुझे पता था कि रोटेशन को थोड़ा सा टाइम लगने वाला, इसलिए मैंने एसएचएम को एक हफ्ता दिया। तो एसएचएम को एक हफ्ता मत दो, दो तीन दिन में एसएचएम खत्म कर दो, उसका दो तीन दिन ना रोटेशन में यूज करो, ठीक है? अब ये मास एम है, लेंथ एल है, रॉड वही मैंने यहाँ पे लगाया हुआ, इस यही एक्सिस है मेरी, ठीक है? अब मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे मैंने एग्जैक्टली सेंटर पे जे नॉट से थ्रू मतलब मारा। मैं कहीं भी ले सकता हूँ यार, मतलब देखो तुम फिर सॉल्व कर सकते हो, जे नॉट मैंने कुछ एल बाई फोर डिस्टेंस पे मारा वगैरह, ठीक है? तो मैंने अभी एग्जैक्टली सेंटर पे मार रहा हूँ, यहाँ पे देखो एग्जैक्टली सेंटर पे मार रहा हूँ, ठीक है? तो अब मुझे यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे जे एक्स कितना होगा, समझा? और क्या कितना होगा, ओमेगा और वही वो भी सेंटर ऑफ मास जो भी है, कोई दिक्कत है क्या? निकालो फटाफट इसका आंसर निकालो, सेम तरीके से जो मैंने पिछले बार किया, चाहिए तो मैं ये जूम आउट करके रख देता हूं मैं, ठीक है? करो फटाफट आंसर करो, बताओ मुझे क्या होगा, व्हाट इज जे एक्स की वैल्यू? क्या है यहाँ पे सर, चैट पे लिखने की? हाँ
नहीं नहीं मुझे इन टर्म्स ऑफ जे नॉट ले लो भाई, भाई जे एक्स को इन टर्म्स ऑफ जे नॉट चाहिए मुझे, इन टर्म्स ऑफ जे नॉट चाहिए, जे एक्स मुझे इन टर्म्स ऑफ जे नॉट चाहिए। इसका चाहिए तो किसी को चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी लेके रखो इसका, बाद में काम आएगा तुमको। ठीक है यहां पे देख लो, यहां पे सब लोग देख लो, ठीक है जितना मैं ज्यादा टाइम नहीं दे सकता आप लोग को, जिनका आए इनका है, अभी सब लोग देखो क्या इक्वेशन लगाओगे आप, इक्वेशन क्या लगाओगे, मोमेंटम नेट इंपल्स, नेट इंपल्स क्या होगा, जे नॉट माइनस जेक इसके हिसाब से इज इक्वल टू क्या होगा, एम इन टू वी सीओ एम, इक्वेशन नंबर वन हो गया। ठीक है इक्वेशन नंबर टू क्या होगा, देखो तीन इक्वेशन है ग्रीन में, तीन इक्वेशन बताए, उसके बाद क्या है ना मैं, आप फास्ट कर सकते हो लेकिन अभी मैं आपको ना स्लो स्लो करवा रहा हूँ, ठीक है मतलब थॉट प्रोसेस बना रहा हूँ, उसके बाद फिर आप आपका प्रैक्टिस में जितना फास्ट सब इक्वेशन लिखने की जरूरत है फटाफट कर सकते हो आप। ठीक है तो जे नॉट माइनस जे इक्वल टू एम बी सी एम कर दिया मैंने, इंपल्स का इक्वेशन लिख दिया, इंपल्स के बाद कौन सा आएगा, एंगुलर इंपल्स, एंगुलर इंपल्स अबाउट क्या लेंगे अपन, अबाउट दिस पॉइंट लेंगे पी, तो मैं एंगुलर इंपल्स अबाउट दिस पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा जे नॉट इंटू क्या एल बाय टू इज इक्वल टू क्या आई ए इंटू ओमेगा। देखो ध्यान में रखना ये डायरेक्टली क्यों लग रहा है, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रेजेंट ही इसीलिए लग रहा है। ठीक है तो यहाँ पे एम एल स्क्वायर बाई थ्री इंटू ओमेगा आ जाएगा, इक्वेशन नंबर टू आ जाएगा। ठीक है ये दूसरा हो गया, और लास्ट में अपना वही सेम चीज वी सी ओ एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू एल बाय टू आ जाएगा, इक्वेशन नंबर थ्री आ जाएगा। इसको डायरेक्टली डाल दो तो मुझे आपको पता है जे एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है दो तीन लोगों की आ रही है, तो जे नॉट बाई फोर आ रही है, देखो जे एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, जे नॉट बाई फोर, तो मुझे तो जे एक्स की वैल्यू जे नॉट बाई फोर आई, मुझे तो इधर इधर क्या आया पॉजिटिव आया, इधर क्या आया पॉजिटिव, मुझे तो पॉजिटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव का मतलब क्या है, मैंने जे नॉट को ऐसे यहां पे ऐसे मारा इंपल्स, ये राइट डायरेक्शन है, कोई डायरेक्शन में गलती नहीं है, मुझे बताओ यहां पे राइट डायरेक्शन है और यहां पे क्या है डायरेक्शन क्या है, उल्टा हो गया, ऐसा क्यों हो गया बताओ मुझे, ऐसा क्यों हो गया, कोई बोल पाएगा ऐसा क्यों हो गया, मतलब मैंने इंपल्स के डायरेक्शन ऐसे कर दी, तो क्या आप थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हो कि एक ऊपर वाले केस में इंपल्स जो है वो आगे आया और इधर वाले इंपल्स में पीछे आया क्यों। हाँ शुभम बोल सर, हम लोगों ने फोर्स में भी ऐसा ही किया था, जब हम लोग फोर्स ले रहे थे तब अगर मिडल पॉइंट या फिर उसके नीचे लग रहा था तो फ्रिक्शन आगे फ्रिक्शन का डायरेक्शन उल्टा हो रहा था, वैसा कुछ तो वैसा ही इधर हो रहा है। ऐसा पकड़ लो नीचे एक सरफेस है, मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे, ए फ्लोर पे रखा हुआ है, कोई हिंज विंज नहीं है, स्ट्रेट मूव करने का कोशिश करेगा। हाँ एक रॉड को मैंने ना नॉर्मली ऐसे रखा है, ठीक है जमीन पे रखा है और जोर से किसी ने यहां से इसको धक्का मारा, तो मुझे बताओ इस रॉड के अंदर जब मैं इधर से इंपल्स देता हूँ तो ये रॉड जो है ये क्या करेगा, घूमने की भी कोशिश करता है ऐसे ऊपर वाला एंड पीछे, हाँ जब ऐसे घूमने की कोशिश करता है और ये कहाँ पे जाने की कोशिश करता है आगे भी, राइट हाँ। तो इसका जो ऊपर वाला पॉइंट है, ऊपर वाला जो पॉइंट है उसके पास कितनी वेलोसिटी जाएंगे, वी सी ओ एम कहां पे रहेगा आगे, और ओमेगा इंटू एल बाई टू कहां पे रहेगा पीछे, एक्चुअल वेलोसिटी इस पॉइंट की एक्चुअल वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा माइनस वी सी ओ एम। अब इसमें ओमेगा एल बाय टू वी सी ओ एम से ज्यादा है तो क्या होने वाला है, तो इंपल्स आगे डालना पड़ेगा बैलेंस करने, इंपल्स आगे डालना पड़ेगा क्योंकि ये पॉइंट टेंड टू मूव कहां पे, देन टेंड्स टू मूव कहां पे पीछे, पीछे देन यहां पे जो इंपल्स आएगा, यहां पे जो नॉर्मल फोर्स आएगा वो उसको कहां पे धक्का देगा, इधर ना, तो यहां पे इंपल्स कहां पे आएगा ऐसे, कोई दिक्कत है क्या। अब मुझे एक बात बताओ इस केस में वी सी ओ एम ज्यादा है ओमेगा एल बाय टू से, तो पॉइंट पी पॉइंट वन कहां पे जाने की कोशिश करेगा आगे, तो इंपल्स कहां पे आएगा पीछे, पीछे। अब पता है आपको क्या हुआ, जो फर्स्ट केस में मैंने इंपल्स जब यहां पे डाला, ठीक है जब मैंने इंपल्स यहां पे डाला
ठीक है, तो ये पॉइंट पता है कहां पे जाने की कोशिश किया, पीछे। अब देखो ना यार, ऐसा ऐसा होता है कभी कभी, ऐसा ऐसा इधर में धक्का मारता हूं ऐसे, तो ये पॉइंट देखो ना, ऐसे जाने की कोशिश करता है ना, आगे भी जा रहा है ऐसे भी जा रहा है, समझ में आ रहा है। लेकिन वही मैंने इंपल्स जब यहाँ पे डाला था, जब मैंने इंपल्स यहाँ पे डाला था तो ट्रांसलेशन करने का, मुझे बताओ उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए कोई ओमेगा था क्या उसके पास? नहीं। हाउ टू डिसाइड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन में, सिंपल लैग हो रहा है सर, बहुत खतरनाक लैग हुआ अभी सर, आपका आवाज भी नहीं सुन रहा सर। रुको, क्या हुआ? रुको, आपका आवाज बीच में आवाज नहीं आ रहा है। ओके, अभी आ रहा है? हाँ अभी ठीक है। अरे यार एक मिनट, ये बंदा कॉल कर रहा है इसीलिए मुझे लगता है, एक मिनट कॉल। सर आप डू नॉट डिस्टर्ब पे रख दो ना, कोई कॉल आएगा तो अपने आप कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, हाँ तो अब मुझे एक बात बताओ, अब मैंने यहाँ पे क्या बोला? मैंने तुम लोगों को How to decide the direction of friction? How to decide the direction of impulse? लेकिन ठीक है, वो तुमको अभी ये direction of friction की तरह, the direction of friction की तरह कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, मैं just explain कर रहा हूँ कि ऐसे answers क्यों आए, ये plus क्यों आया और वो minus क्यों आया, उसका मैं आपको एक just छोटा सा वो बता रहा हूँ reason, ठीक है? अब तुमको एक बात बताओ सिंपल, तो ये तो ठीक है, ये तो तुम सोच लो अभी, मैंने तुमको सोचने का मतलब पता है कि क्या सोचना है तुमको, ठीक है? मैंने 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 क्या बताया समझ में है ना, मतलब सपोज एक, हाँ ठीक है समझ समझा तो अच्छी बात है। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, इन्हीं क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा बनाता हूँ, ठीक है? अब एग्जांपल थ्री, गाइस ये एग्जांपल ना सब जगह पे होते हैं, जैसे ये सेम एग्जांपल मैंने लिया, एक रॉड यहाँ पे मैंने, देखो यहाँ पे ऐसा रॉड लटकाया है, मैंने देखो यहाँ पे रॉड लटकाया, रॉड यहाँ पे लटकाया मतलब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये इसका मास एम है, लेंथ एल है। अब इंपल्स था ना, मैंने जे नॉट दिया था, अब एक्चुअल में क्वेश्चन कैसे आएगा देखो, अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन के जितने भी वेरिएशन है उतने बना सकता हूँ, जितने भी वेरिएशन, मैं आपको एक वेरिएशन दिखाता हूँ सिर्फ एक वेरिएशन, ठीक है? तुम मुझे आंसर बताओ, एक मास m है, वेलोसिटी v नॉट से आ रहा है, ठीक है? ये एक वेरिएशन है जो कॉमन है, सारे बुक्स में होता है, इवन डीसी पांडे वगैरह में भी एक क्वेश्चन है, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, ये रॉड ऐसे लटका हुआ था, एक मास पॉइंट मास है वेलोसिटी v नॉट से, इसको यहाँ पे हिट किया इनइलास्टिक, हाँ नहीं, और मैंने बोला नहीं हिट किया, और मैंने बोला ये सडनली रेस्ट पे आ गया, ये रेस्ट पे आ गया, किस पे आ गया? आफ्टर इट हिट्स द रॉड, ये क्या, ये 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 क्या हो गया? यहाँ शायद से मैंने वीडियो में बोला है चीज, रेस्ट पे आ गया। तो अब मुझे बताओ ये क्या था, ये जो मैंने अभी यहाँ पे जो किया है, जो वेलोसिटी वी नॉट दिया है, ठीक है, ये क्या है? जस्ट बिफोर क्या है? दिस इज वॉट, जस्ट बिफोर क्या? कोलिजन। एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? जीरो, जीरो हो गई। तो मुझे तो वेलोसिटी जीरो होने के लिए इसके ऊपर इंपल्स कहां पे आया होगा? पीछे है ना, जब ये टकराएगा तो इसके ऊपर इंपल्स, इसके ऊपर इंपल्स आएगा आगे, इसके ऊपर इंपल्स आएगा पीछे, पीछे। तो मुझे होता है इसके ऊपर इंपल्स आया कितना, इसके ऊपर इंपल्स मैंने लिखता हूँ यहाँ पे जे नॉट, इसके ऊपर लिखता हूँ जे नॉट यहाँ पे, तो मुझे होता है इसमें जे नॉट की वैल्यू कितनी है? MV0. तो अब जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे दिया था यही सेम क्वेश्चन एग्जाम्पल वन, तो जिसमें मैंने बोला, जिसमें मैंने बोला जीएक्स की वैल्यू कितनी आई थी, इसमें जीएक्स की वैल्यू कितनी आई थी? माइनस जे बाई टू, हाँ माइनस जे नॉट बाई टू, विच इज इक्वल टू क्या? माइनस एम वी नॉट बाई टू, मेरा आंसर है। समझ में आ रहा है तुमको? यस सर, हाँ सर समझ गया, बस काम खत्म हो गया तुम्हारा। अब मेरे को बोला, अब इसका मेरे को दूसरा एग्जांपल लेना है, देखो एग्जांपल में बहुत सारे चेंज कर सकता हूँ। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जिसमें अपन लेते हैं इलास्टिक कोलिजन हो। सर ये वाले केस में इलास्टिक कोलिजन भी नहीं बोल सकते ना हम लोग को वी सेंटर ऑफ मास निकाल के बोल, नहीं ये दिया है, ये क्वेश्चन दिया है, कोई इलास्टिक कोलिजन वगैरह नहीं, ठीक है?
ये सम कोलिजन है जिसके अंदर ये मास m रुक गया है, ठीक है, देयर इज नो इलास्टिक कोलिजन, यहां पे इलास्टिक कोलिजन वगैरह कुछ नहीं है। अब मैं इलास्टिक या इनइलास्टिक का एक केस बताऊं, इनइलास्टिक हो, इलास्टिक हो या कोई भी कोलिजन हो, मैं एक मेथड बात, तुमको क्वेश्चंस आपको खुद को करने बाद में, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। अब जैसे यहां पे मैंने बोला, ठीक है, ये मास आया m वेलोसिटी v नॉट से, अब बोला ये सम टाइप ऑफ कोलिजन है, मतलब जिसमें कोएफिशिएंट, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या लेंगे अपन, 1/2 ले लो, नहीं नहीं e e e लेते हैं ना, सॉल्व कहां पे करना है अपने को, मैं जस्ट बता रहा हूं कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, पहले जैसे हम लोग ट्रांसलेशन में कर देते वैसे ही। हाँ, अब मैं बता दूं, जस्ट आफ्टर कोलिजन, अब ये था जस्ट बिफोर कोलिजन, तो मैं यहां पे लिख देता हूं जस्ट बिफोर कोलिजन, ठीक है, ये था जस्ट बिफोर कोलिजन, ठीक है, यहाँ पे ना हिंज दे, ध्यान में रखना है सारे केसेस कौन से ले रहा हूं मैं, हिंज, अभी विदाउट हिंज वाले तो बहुत इजी होते हैं, मैं आपको बताऊंगा, पहले हिंज वाले लेते हैं, हिंज वाले में क्या होता है ना, जैसे अभी मतलब ये जस्ट बिफोर कोलिजन की केस है, अब जस्ट आफ्टर कोलिजन करता हूं, अब जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या क्या होगा देखते हैं, जस्ट आफ्टर कोलिजन ये मास जो है ना, मतलब कोलिजन हो चुका है, ठीक है, इस मास की m की वेलोसिटी में लेता हूं v1, कितनी लेता हूं v1, जस्ट आफ्टर कोलिजन, जस्ट बिफोर कोलिजन तो ये सब कुछ रुका हुआ था, जस्ट आफ्टर कोलिजन इसके पास एक वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गई, ठीक है, ये v1 लेता तो मैं ये लेता हूं v2, और ये घूमने लगा कितने से, ओमेगा से, उनको समझ में आ रहा है, हां सर समझ रहा, कोई दिक्कत है तो मुझे बता, अभी यहाँ पे कौन से अननोन आ गए, कौन से अननोन आ गए, किसी को चाहिए तो यहाँ पे इंपल्स भी लिखना पड़ेगा, ओमेगा, हाँ, इसके ऊपर इंपल्स मैंने लिया जे, जे इसके ऊपर इंपल्स लिया मैंने जे, कोई दिक्कत है, और कौन सा इंपल्स आया बताओ मुझे, और कौन सा इंपल्स आया, इसके ऊपर भी इंपल्स आया, कौन सा, जे एक्स, तो अब यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं, सॉरी मैं एक काम करता हूँ, ये सारे ग्रीन में लिखता हूँ, ये सारे ग्रीन वाले जो चीजें ना सारे क्या है, सारे क्या है यहाँ पे, सारे अननोन है, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे, जितने नंबर ऑफ अननोन से वो सारे लिख रहा हूं मैं, आपको क्वेश्चन शायद से ना ओमेगा, सिर्फ ओमेगा के करने को पूछेंगे तो शायद से सारे इक्वेशन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपकी प्रैक्टिस है कि आपको ये जो मैं सारे इक्वेशन लिख रहा हूं उसमें से कौन से इक्वेशन लिखने, वो आपकी प्रैक्टिस है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मैं पहले लगता हूं नंबर ऑफ अननोन कौन से, जे है, जे एक्स है, और कौन सा है, वी वन है, वी टू है, और ओमेगा है, कितने अननोन से यहाँ पे बताओ मुझे, फाइव, तो मुझे इक्वेशन कितने चाहिए, तो मुझे पहले तो बात बताओ, मैंने आपको बोला था ना, मतलब बाद में मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा जहां पे ना सीधा आपको क्या करना पड़ेगा पता है, मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन और कुछ कंस्ट्रेंट, बस काम खत्म, हाँ। तीन इक्वेशन से काम होने वाला है, लेकिन यहाँ पे मैं कितने इक्वेशन लिखने वाला हूँ, 5, क्योंकि ये पूरा मैं डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, इसमें पहले तो मुझे बताओ मोमेंटम कंजर्व होगा क्या सिस्टम का, नहीं 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 होगा सर, ऊपर हिंज फोर्स है पीछे साइड, आवाज आ रहा है क्या मेरा प्रॉपर पार्थ, मेरा शायद आवाज बाकी लोग को आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे जम रहा है, देखो इसको सिस्टम भी लिया मैंने, तो ये जे और जे, ये दो तो जे अपोजिट है, लेकिन यहाँ पे एक है ना जे एक्स ऊपर भाई हिंज में, भाई ये थोड़ी गायब हो गया, समझ में आ रहा है क्या, हाँ हाँ, तो यहाँ पे एक तो पहले मोमेंटम कंजर्वेशन अपन कर ही नहीं सकते, तो अपने को क्या लिखना पड़ेगा, इंपल्स का एफबीडी लिखने पड़ेंगे, तो लेट्स राइट द एफबीडी ना, मतलब सबका इंपल्स का एफबीडी, मास के लिए लिखते पहले मैं इंपल्स का एफबीडी लिखता हूँ अपना, क्योंकि वो तो नॉर्मल आता है, इंपल्स का एफबीडी इसके लिए क्या है, जे एम वी वन माइनस वी नॉट, नहीं नहीं भाई मैग्नीट्यूड लिखना है, एम वी नॉट माइनस एम वी वन, नहीं समझ में, हाँ सर मैंने वही बोला, प्लस लिखना है, समझा सर, हाँ ठीक है, तो एम वी नॉट माइनस एम वी वन, ठीक है, इसका एफबीडी क्या होगा, इंपल्स का जे माइनस क्या, जेएक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू एम वी टू, एम वी टू, इक्वेशन नंबर वन हो गया, इक्वेशन नंबर टू हो गया, देखो इंपल्स के दोनों मतलब मैंने फटाफट लिख दी, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, कोई पंगा है नहीं, ठीक है। अब उसके बाद चाहिए तो तुम यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन वाली इक्वेशन, एंगुलर इंपल्स का इक्वेशन कहाँ पे लिखूंगा मैं, अबाउट द हिंज, अबाउट द हिंज, तो यहाँ पे क्या होगा, एंगुलर इंपल्स अबाउट द हिंज क्या होगा, जे इनटू क्या हो जाएगा, एल इनटू एल इक्वल्स टू इक्वल टू एम वी टू, एम एल स्क्वायर बाय थ्री इनटू क्या हो जाएगा,
ओमेगा ओमेगा इक्वेशन नंबर क्या आ गया थ्री तो इंपल्स एंगुलर इंपल्स का इक्वेशन तो हो गया इसके लिए कोई दिक्कत है नहीं ठीक है फिर एक अपना हाँ तुम्हें बता दूंगा एक एक अपना जो हो जाएगा एक हो जाएगा जो यहाँ पे इसकी जो V2 आएगी V2 की वैल्यू क्या आएगी ओमेगा इनटू क्या हो जाएगा L बाय टू इक्वेशन नंबर क्या आएगा फोर अब सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना मैंने आपको एक चीज बताई थी न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन आपका आवाज वापस आया हाँ फिर से नहीं आ रहा अभी आवाज एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इसमें ना कभी भी सेंटर ऑफ मास वगैरह कुछ लेना ही नहीं है सेंटर ऑफ मास का वगैरह नहीं लिखोगे अब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिखने जाओगे तो पता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कौन सा यहाँ पे नीचे का एंड वाला एक तो लाइन ऑफ इंपल्स पे तो था ही जो अपना प्रीवियस रूल था लाइन ऑफ इंपल्स पे तो लगाना ही है लेकिन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे लगाना है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे लगाएंगे तो इस पॉइंट का जो वेलोसिटी आएगा ये ओमेगा से घूम रहा है ना हाँ ओमेगा एल डायरेक्टली लिख सकते हैं अपन yes. या फिर देखो इधर आप इसको वी टू प्लस ओमेगा इंटू एल बाई टू लिखो लेकिन यहाँ पे एक्सेल रोटेशन प्रेजेंट है तो इसका मतलब डायरेक्टली क्या आ जाने वाला है क्योंकि वी टू इज इक्वल टू ओमेगा एल बाई टू ये तो ओमेगा एल ही आएगा ना इसका भाई वी टू की वैल्यू ओमेगा एल बाई टू है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस ओमेगा एल टू एल बाई टू करो या कुछ भी करो डायरेक्टली ओमेगा एल लिख दो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा समझ रहा है सर समझ रहा है सर तो इस पॉइंट का जो वेलोसिटी आएगा ये कितना जाएगा ओमेगा कितना जाएगा एल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस पॉइंट का वेलोसिटी यहाँ पे लिख देता हूँ कितना आएगा ओमेगा एल तो अब मुझे बताओ ये ओमेगा एल है और आफ्टर जस्ट आफ्टर इंपैक्ट इसका वेलोसिटी कितना है वी वन तो मुझे तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो गया ओमेगा एल माइनस वी वन ओमेगा एल माइनस वी वन ये हो गया वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू ई इनटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है V not काम खत्म इक्वेशन नंबर क्या हो गया 5 बस इस 5 इक्वेशन को सॉल्व करो तुम्हारा आंसर आ गया कोई दिक्कत है अभी रही है तो अब मुझे बताओ यहाँ पे एक चीज दिमाग में रखनी है ये मास इधर आके ठोके या इधर आके ठोके या कोई a by 4 पे आके ठोके मतलब length by 4 पे आके ठोके कोई दिक्कत है क्या सब सेम ही मेथड लगाएंगे सिर्फ इंपल्स के क्या हो जाएगा अलग अलग पोजीशन चेंज हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा सर एक बिना हिंज का भी केस करवाओ ना हाँ करवाते हैं वो लास्ट में तो अपने को क्लास में कराया था नहीं मैंने ये भी करवाया था शायद नहीं हिंज का नहीं कराया था ये वाला केस नहीं कराया था मास ये होने का वो नॉर्मल वाला कराया था ठीक है तो ये एग्जांपल 5 देख लो नॉर्मल मैं तुमको ये चाहिए इसका चाहिए तो वो कर लो क्या बोलते उसको स्क्रीनशॉट ले लो काम आएगा इसका तो आप पेंट भेज ही सकते हो ना शायद हाँ ये तो पेंट सेव कर हाँ लेकिन ये एक ले लो ना मतलब यार मतलब ले लो सर ये रोटेशन पे कोलिजन के क्वेश्चंस बुक में मिलते नहीं है मतलब सब जगह पर सेम ही मतलब ये क्वेश्चंस एल बाय फोर पे फिर एल अलग क्वेश्चन कैसे बनते हैं ठीक है ना यार वो एल बाय फोर एल बी एल बाय सिक्स देखो उनके ना दो तीन वो है ए बाय सिक्स होता है एक ए बाय फोर होता है एक ए बोला बराबर इसमें सारे केसेस मैंने डिस्कस कर दिया अब इसी केस का आएगा और क्या आएगा शायद से ऐसा आ सकता है क्वेश्चन कैसे आ सकता है ऐसा आ सकता है कि एक डिस्क देखो क्या आ सकता है क्वेश्चन में एक डिस्क लगाया हुआ है मैंने रॉड का बताया अब डिस्क के सपोज ऐसा पकड़ लो यहाँ पे मतलब या फिर एक स्फीयर मतलब डिस्क के सपोज ठीक है और सडनली यहाँ पे एक चीज आ गया यहाँ पे मतलब वो हो गया क्रैश हो गया समझ में है ना इंपल्स यहाँ पे आया अब ऐसा हो सकता है कि ये इंपल्स ये रुक गया तो ये इंपल्स यहाँ पे आया अब वो डिस्क जाएगा कुछ डिस्टेंस पे ऐसा क्वेश्चन भी आता और कोई क्वेश्चन तो मतलब बनेंगे नहीं मतलब चीज वो रहेगी बस उसको थोड़ा सा और डिफिकल्ट बनाने के लिए डिस्क स्फीयर वगैरह ले जा सकते हैं तो थोड़ी सी ज्योमेट्री भी पिक्चर में आ जाएगी फिर समझ में आ रहा है
वो तो मतलब यार जो भी है कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सब लोग सुनो, अब कुछ कुछ एग्जांपल्स में कैसा होता है ना यार, मतलब ये तो एग्जांपल एकदम मतलब बहुत सारे कॉमन एग्जांपल्स है। एक रॉड है यहाँ पे, सुनो, यहाँ पे एक रॉड है जो मास एम का है, लेंथ एल का है, ऐसी रेस्ट कर रहा है सरफेस पे, ठीक है, कोई हिंज विंज कुछ नहीं है। मैं एक केस ले लेता हूं, लेट्स से एक मास एम आया, ठीक है। अब ये मास एम एम बाई टू बीम बाई टू जो भी है कुछ दे सकते हैं, अपन एम ही ले लेते हैं। एम बाई टू लेना है क्या? कुछ भी ले लो सर, मतलब एग्जांपल का। अरे कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। और ये एल बाई फोर डिस्टेंस पे आया और यहाँ पे इसको हिट किया वेलोसिटी वी नॉट से। अब इसमें भी अलग अलग केसेस, इसमें भी अलग अलग, कोई इसमें ये एम बाई टू जो मास आया वेलोसिटी वी नॉट से, ऐसा भी हो सकता है कि इसके ऊपर चढ़ जाए, इसके ऊपर चढ़ जाए तो क्या हो जाएगा, वो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। इसमें तो मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा ना, पर अब मैं बताता हूँ ना, यहाँ पे मुझे पहले तो एक बात बताओ, जस्ट आफ्टर कोलिजन, लेट्स से जस्ट आफ्टर कोलिजन, जस्ट बिफोर कोलिजन केस है, जस्ट आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी क्या होगी? V1। ये था मेरा जस्ट बिफोर कोलिजन। अब मैं इन जनरल केस बता रहा हूँ गाइज, तुम लोग को वो परफेक्टली इलास्टिक वाली केस लेनी है। ये था जस्ट आफ्टर कोलिजन, ठीक है, और जस्ट आफ्टर कोलिजन इसके पास वेलोसिटी क्या आ गई? V2। और ये घूमने लगा कितने से? ओमेगा। तो मुझे बताओ यहाँ पे अननोन कितने हैं, एक्चुअल में अननोन कितने हैं? V1, V2, V1, ये एक्चुअल तीन अननोन हैं, लेकिन किसी ने बोला माइंड मुझे इंपल्स भी निकालना है, तो इसके ऊपर इंपल्स कहाँ पे आएगा? पीछे। इसके ऊपर इंपल्स कहाँ पे आएगा? इसके इसी पॉइंट पे आएगा ना, इंपल्स कहाँ पे आएगा? आगे। तो इंपल्स जे, राइट, ये जे जो इंपल्स है ना वो कभी पूछेंगे कभी नहीं पूछेंगे, ठीक है, वो डिपेंड करता है, सपोज पूछा तो आपको करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। अब मेरे को एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में क्या आप एक्चुअल में तीन अननोन है, देखो यहाँ पे एक्चुअल में तीन अननोन है, तो मुझे बताओ क्या आप इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं भाई, क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इसमें नेट इंपल्स की वैल्यू कितनी हो रही है? जे इधर नेट इंपल्स कितना हो रहा है? जीरो। जीरो। अब मुझे तो नेट इंपल्स जीरो है, तो भाई नेट एंगुलर इंपल्स भी क्या होगा? जीरो। खत्म हो गया तुम्हारा। तो आपको पता है ऐसे क्वेश्चन में आपको पता है एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन कर लो, ठीक है, एक एंगुलर मोमेंट, एक एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कर लो, और एक क्या कर लो, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन इक्वल टू ई इनटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कर लो, काम खत्म हो गया तुम्हारा। तो मोमेंटम कंजर्वेशन जो है, इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन आप करेंगे तो मोमेंटम कंजर्वेशन में इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू क्या जाएगा? फाइनल मोमेंटम। क्यों? क्योंकि नेट इंपल्स जीरो, तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम का मैग्नीट्यूड आप लिख देते हैं, तो इनिशियल मोमेंटम कितना है यहाँ पे? m बाय टू वी नॉट, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? इसका मास m है, तो m v2 प्लस क्या? m बाय टू v1। कोई दिक्कत है क्या? इक्वेशन नंबर 1 मोमेंटम का जो इक्वेशन आ गया। एंगुलर इंपल्स, अब मुझे तो एंगुलर मोमेंटम सबसे ईजी कहाँ पे है वो बताओ। सेंटर ऑफ मास पे ना, इसका इसके खुद के V2 का जीरो हो जाता है, समझ रहे हैं? मतलब मैं लिखूंगा एंगुलर मोमेंटम इनिशियल इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम फाइनल, तो एंगुलर मोमेंटम इनिशियल इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम में फाइनल करूंगा, तो एंगुलर मोमेंटम इनिशियल क्या होगा? m बाय टू वी नॉट एल बाय फोर। हाँ, सिर्फ एक ही मास अपना जा रहा है, m बाय टू वी नॉट इंटू क्या? एल बाय फोर, कि वो डायरेक्ट ट्रांसलेशन है, ठीक है। आफ्टर जस्ट आफ्टर कोलिजन इसका तो है ही ना, ये कितना है? m क्या है? m बाय टू, m बाय टू वी वन एल बाय फोर तो है, प्लस आई ओमेगा, प्लस, हाँ, अब प्लस ये जो रॉड है ना, ये रॉड का सिर्फ कौन सा बचा अभी, कौन सा बचा? ओमेगा, मतलब हाँ, आई सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा बचा, कोई दिक्कत है क्या इसमें? और आई सेंटर ऑफ मास ओमेगा में एम एल स्क्वायर बाई 12 ले लो, आप समझ में आ रहा है? देखो अब मैं जब अभी पढ़ा रहा हूँ तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, मैं पता है पिछले बार मैंने पिछले साल पढ़ा था ना, तो आपको शायद से इतना ज्यादा दिमाग में नहीं गया होगा, ठीक है, विले पार्ले में पढ़ाया नहीं, विले पार्ले तो पढ़ाया नहीं। हाँ। अब यहाँ पे देख लो, अब यहाँ पे देखो, ये इक्वेशन नंबर 1 था, इक्वेशन नंबर 2 था, अब इक्वेशन नंबर 3 में
इक्वेशन नंबर थ्री में बस वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू ई इनटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. राइट राइट. ठाणे में भी नहीं पढ़ाया था मैंने, ठाणे और कलवा में भी नहीं पढ़ाया था. ठाणे और कलवा में तो उधर तक पहुंचा ही नहीं मैं शायद. ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस पॉइंट का आफ्टर इंपैक्ट, इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना है आफ्टर इंपैक्ट मुझे बताओ. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आफ्टर इंपैक्ट वेलोसिटी कितना है, v2 प्लस क्या ओमेगा इनटू l बाय 4. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? समझ रहा है सर. तो अब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा बताओ मुझे, ये पॉइंट और ये पॉइंट, v2 माइनस v1 प्लस l बाय ओमेगा l बाय 4. हां, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू नहीं e इनटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. अब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा, v2 प्लस ओमेगा l बाय 4 माइनस v1 माइनस v1. भाई क्योंकि ये पॉइंट देख रहा है ना, मतलब ये मैंने v1 इधर लिखा है, तुमको पता है ना कि ये आफ्टर कोलिजन v0 v1 से जाने वाला है ये मास m by 2. तो m by 2 v1 से जाएगा, ये वाला पॉइंट कितने जाएगा v2 plus omega l by 4 से जाएगा. तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन बराबर इज इक्वल टू क्या e into velocity of approach. वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है v0. हो गया, बस हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर थ्री. किसी ने बोला भाई जे का इंपल्स बताओ कितना होगा, एंगुलर इंपल्स, तो जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम बाई टू, एम बाई टू क्या वी नॉट माइनस वी वन, काम खत्म. कोई दिक्कत है क्या, इंपल्स है ना, इंपल्स का इक्वेशन तो एम बाई टू वी वन माइनस वी नॉट, खत्म. आंसर तुम्हारा क्या. तो अब क्या है ना, ये था मेरा मतलब इवन एंगुलर इंपल्स एंड एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस जो मैंने अभी पांच एग्जांपल्स बताए, जिसे आपको होपफुली सब कुछ समझ में आया होगा. अब क्या है ना, ओवरऑल मैं ओवरऑल एक क्वेश्चन दिखाता हूँ और फिर अपन खत्म कर लेते चाहिए तो, ठीक है, और एक आध दो क्वेश्चन ऐसे अलग से सॉल्व करेंगे. इसमें अभी तक कोई डाउट है क्या, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो. इसमें कोई डाउट होगा तो ये वीडियो का रिकॉर्डिंग वापस एक बार देख लो, मेरा इवन रोटेशन मोशन का जो वीडियो दिया हुआ है वो भी देख लो. ठीक है, अब एक जबरदस्त मतलब क्वेश्चन देखो क्या हो सकता है, जबरदस्त क्वेश्चन मतलब अच्छा क्वेश्चन. ठीक है, कर लू, दिखाऊ, दिखाओ सर. मतलब एक क्वेश्चन दिखाता हूं मैं जिसमें ना तीन चार कॉन्सेप्ट एड हो जाएंगे और ये कॉम्प्रिहेंशन टाइप का क्वेश्चन बन सकता है. कॉम्प्रिहेंशन टाइप मतलब जहां पे दो से तीन क्वेश्चन बन सकते हैं, 12-16 है ना. हाँ, जैसे मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक रॉड दिया, ठीक है, जस्ट मुझे ना थॉट प्रोसेस बताना है, मुझे आपको थॉट प्रोसेस बताना है. आप एक्चुअली इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे या मैं भी सॉल्व नहीं करूंगा, मैं जस्ट थॉट प्रोसेस बताऊंगा. एक मास एंड लेंथ लेंथ एल है जो यहाँ पे हिंच किया हुआ है, मास एम है, लेंथ एल है जो हिंच किया हुआ है. एक पार्टिकल है जो मास m का आया, मैं वही सेम टाइप का क्वेश्चन ले लेता हूँ चाहिए तो, और वेलोसिटी v0 से आया, वेलोसिटी v0 से आया. इसने क्या बोला, इसने किया कौन सा कोलिजन, गाइस यहाँ पे देखो, इसने किया ये वेलोसिटी v0 दिया है कुछ, मतलब अच्छा खासा बड़ा वाला दिया है, रूट रूट ऐसा लेते हैं अपन, रूट एटी जी एल क्या दिया है, रूट एटी जी एल, मतलब बहुत अच्छा खासा आया. और इसके इसने क्या किया, इसने कौन सा कोलिजन किया, इलास्टिक कोलिजन, क्या किया, इलास्टिक कोलिजन. जब इलास्टिक कोलिजन किया तो ये रॉड क्या हो गया, रोटेट हो गया, किसी एंगल, ये रोटेट हो गया, सपोज ये एंगल पे गया 60 डिग्री पे, ठीक है, तो ये 60 डिग्री पे रोटेट किया तो पर्टिकुलर इस सेंसर पे, और वो ज्यादा रोटेट करेगा ऐसा नहीं, वो रोटेट ज्यादा करेगा, वो तो पूरा का पूरा रोटेट भी कर सकता है वो, ठीक है. तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ये वेलोसिटी वी नॉट बताओ कि ये रॉड जस्ट रोटेट करके जस्ट कंप्लीट सर्कल करेगा, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है. एक सेकंड क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि इसमें रॉड रोटेट, अब ध्यान रखना वो रूट फाइव जीएल वीजीएल कंसेप्ट नहीं लगेगा यहाँ पे, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि पूरा का पूरा रॉड है और पूरा का पूरा रॉड रोटेट करने के लिए वो काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगी. समझ में आ रहा है आपको, ठीक है. अब मैंने क्या किया, मैंने बोला कि जब एंगल 60 डिग्री पे गया तो 60 डिग्री पे जाने के बाद यहाँ पे इसका एन वाई हिंज फोर्सेस निकालना. तो पता है इस क्वेश्चन में क्या क्या हो गया, इस क्वेश्चन में कोलिजन का कॉन्सेप्ट हो गया. हाँ, कोलिजन के कॉन्सेप्ट आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, ओमेगा मिल जाएगा, जस्ट आफ्टर कोलिजन ओमेगा मिल जाएगा बराबर. वो ओमेगा आपने मिला, सपोज ओमेगा नॉट मिला, ये कोलिजन से करोगे आप, जो भी अपन ने किया ओमेगा नॉट कहां से मिलेगा अपने को, बाय कोलिजन. फिर कोलिजन करने के बाद जब ये एंगल 60 डिग्री पे जाएगा तो इधर का कुछ ओमेगा आएगा, वो कहां से आएगा बताओ, वर्क एनर्जी थ्योरम. फिर वर्क एनर्जी थ्योरम लगने के बाद जब यहाँ पे मुझे एक्शन एनवाई चाहिए,
सर एनएक्स अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए एनएक्स चाहिए तो ऐसा कर सकता हूँ हाँ सर पैरेलल और एक परपेंडिकुलर उससे ऐसा कर सकता हूँ ठीक है तो यहाँ पे मैं अभी यहाँ पे एनवाई लिया मैंने एनएक्स लिया ठीक है तो एनवाई एनएक्स मुझे ऐसे चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा टॉर्क इक्वेशन लगाना पड़ेगा सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा एफ इज इक्वल टू मिलेगा एम ए निकालना पड़ेगा आपको समझ में आ रहा है हाँ तो इसका एसबीडी में mg का ये सब कंपोनेंट mg cos 60 वगैरह सब कुछ लेके फिर nx minus mg cos 60 इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r या m ओमेगा नॉट स्क्वायर इनटू l बाय 2 सर्कुलर मोशन कांसेप्ट लगाया मैंने टॉर्क का कांसेप्ट लगाया टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट लगा दिया मैंने ny minus mg sin थीटा इज इक्वल टू mat जो भी तो बेसिकली मैंने क्या लगाया मैंने f इज इक्वल टू ma लगाया टॉर्क इज इक्वल टू टाई अल्फा लगाया मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया मैंने और क्या लगाया कोलिजन लगाया कोलिजन में एंगुलर इंपल्स इंपल्स सब कुछ आ गया बराबर हाँ सब कंबाइन क्वेश्चन बन गया पूरा मैकेनिक्स मतलब पूरा मैकेनिक्स इसमें आ गया खत्म बात और इसमें तुम्हारा फिर इसका मतलब थोड़ा सा लंबा जाएगा इसलिए इसको कॉम्प्रिहेंशन टाइप बना सकते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चंस एक पैराग्राफ दे सकते हैं और पैराग्राफ के क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करो मतलब तुम्हारे पास 10 मिनट्स मिल गए तो सॉल्व करने के लिए समझ में आया हां सर समझ इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं यार बनने के लिए कुछ भी बन सकता है किया भी है ठीक है तो ओके अभी कितने पार्टिसिपेंट्स बचे हैं 50 अभी 50 देख लीजिए वापस वही हो 1/33 हो जाते हैं ठीक है तो गाइस एक सिंपल सी बात है मैं आपको तुमको एक सिंपल सी बात बताता हूँ ये सारे जो क्वेश्चंस है ना मैं रोटेशन मोशन का मैं अच्छे क्वेश्चंस एंड टू एंड सॉल्व करने का एक 3-4 क्वेश्चन अपन लेंगे ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं हो पाएंगे मैं आपको वापस बताऊँ सिर्फ रोटेशन करवाओ ना ऐसे ही 5-6 क्वेश्चन लेके आओ कंबाइन हां वही 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 तो जेईई एडवांस के मैं अगले बार क्या करूंगा देखो क्वेश्चन तो खुद बना सकते हैं मैं लेकिन क्या करूंगा डीसी पांडे से 3-4 क्वेश्चन उठा 2-3 क्वेश्चन डीसी पांडे से उठा लूंगा एक 4-5 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे पूरे इसमें 4-5 क्वेश्चन ही सॉल्व होंगे लेकिन जिससे ना पूरा का पूरा आपका पूरा मैकेनिक्स रिवाइज हो जाएगा ठीक है एंड हो जाएगा फिर हाँ मतलब मैकेनिक्स का एंड हो जाएगा एसएचएम में बकवास है मतलब एसएचएम फटाफट हो जाएगा ठीक है तो सर तो पहली प्रायोरिटी हम लोग आशीष सर के वीडियोस को दे या डीसी पांडे को दे नहीं पहली वीडियो पहले तुम एक काम करो आशीष अरोरा के सारे वीडियोस देख लो मतलब आशीष अरोरा के क्योंकि लेवल 2 सब्जेक्टिव आप इसका करोगे ना किसका डीसी पांडे का तो हाँ बोल वो 45 वीडियोस है अभी 2 दिन में नहीं होंगे वो नहीं तो करो मतलब टाइम दो ना अगला हफ्ता है ना पूरा मैंने बोला ना एसएचएम का भी टाइम डाल दो उसमें ठीक है अरे सर एडवांस का पेपर परसों है ना उसके लिए अरे ठीक है यार मतलब पेपर तो होंगे होते ही रहेंगे ना यार मतलब एडवांस का पेपर परसों है थोड़ी तो मतलब तुमको परसों ही एक्चुअल एडवांस देना है तो टाइम लगेगा ठीक है तुमको सिर्फ एक काम करना है थोड़ा रोटेशन मोशन के ऊपर और एक हफ्ता गुजारो ठीक है और मेरे यूट्यूब वाले सारे वीडियोस भी चाहिए तो वो उसको देख लो और गाइस हाँ मुझे लगता है मैंने थाने में ये चीज नहीं दी थी थाने कलवा में आशीष अरोरा सर के एडवांस इलस्ट्रेशन है सॉल्व करके दिखाते हैं फिजिक्स गैलेक्सी आशीष अरोरा तो उनके एडवांस इलस्ट्रेशन आपको देखने हैं ठीक है मैं भेज देता हूँ मैं ग्रुप में भेज देता हूँ मैं दोनों ग्रुप में भेज देता हूँ ठीक है तो चलो गाइस okay, भी खा लेते और आतिफ सर भी आए हुए आतिफ सर से डिस्कस करते कुछ कुछ चीजें आतिफ सर आए घर पे वो घर पे रहते बुलाओ बुलाओ लेके ही जाता हूँ मिस्टर आतिफ यहाँ पे आओ ये देखो कौन है सर अरे अपने ब्रेल वाले ट्वेल वाले मतलब थोड़ी देर थाने बिने के भी थाने के अलावा और गोरेगांव जिले में हाय हाय सर हाय सर हेलो सर तुम देखने में बहुत अच्छे लग रहे हो जब तक नहीं दिख रहे एक वाई दिख रहा है मतलब एक मिनट के लिए एक कुछ एनिमेशन में एक मिनट के लिए आए थे और उसमें भी हम लोग की लगा के चले जब तक तुम नहीं दिखते हो तभी तक अच्छे लगते हैं तुम्हारी, तुम्हारी, तुम्हारी लगने वाली कब है जब अभी मैथ्स का रिवीजन चालू होगा ना तो मैथ्स का रिवीजन था नेक्स्ट क्या पढ़ा रहे हो उनको समझ में आ रहा है नहीं सर हमको नहीं आता कुछ भी नहीं अभी लेवल बढ़ रहा है बच्चों का अभी आपको तो इसलिए सच बोलते हैं
सच बोलो, हम सच के साथ है। नहीं नहीं तुम्हारा अभी होगा, हम सच के साथ है। चलो गाइस फिर मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय सर, बाय सर, हाँ कल टेस्ट है, हाँ पढ़ो पढ़ो रात में पढ़ना, ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय सर।